हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे एम के मूवी फेयर पर दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आप लोग के बीच लेकर आए हैं 2024 में रिलीज होने वाली मूवी न्यू अपकमिंग मूवी मार्टिन मूवी के आज हम दोस्तों हिंदी में रिव्यू करने जा रहे हैं जो दोस्तों आज के इस वीडियो में इस मूवी से जुड़े कुछ ऐसे न्यूज स्टोरी को देने वाले हैं फिल्म मार्टिन यह एक आगामी भारतीय कन्नड़ भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो दोस्तों अर्जुन सरजा द्वारा लिखी गई कहानी से एपी अर्जुन द्वारा डायरेक्टर भी बनी फिल्म है फिल्म का प्रोड्यूसर उदय के उदय के मोहता ने किया था और इसमें ध्रुव सरजा और बेबी सांडिया ने किया था फिल्म की अन्वेंसी चैन संस्कृता वागले और अच्युत कुमार निकितिन धीर शामिल है फिल्म मार्टिन को डायरेक्टर एपी अर्जुन की डायरेक्टर में बनी फिल्म है इस फिल्म सुपर स्टार अभिनेता के रूप में ध्रुव सरजा फैबी सांडिलिया जैसे और बड़े स्टार आपको दोस्तों देखने को मिलेंगे इस फिल्म को दोस्तों रिलीज डेट 2024 में रिलीज होने वाली न्यू अपकमिंग मूवी है फिल्म की संगीत रवि बसरूर और गीत मनीष शर्मा की बनाई गई है इस फिल्म को दोस्तों कन्नड़ भाषा के साथ भारत में रिलीज होगा दोस्तों बात की जाए इस फिल्म की अभिनेता ध्रुव सजा अर्जुन के रूप में दिखाई दिए दिखाई देंगे और वैबी सांडीलिया शान, जैन के रूप में दिखाई देगी बात की जाए दोस्तों मनीष शर्मा द्वारा रचित है जबकि रवि बसरूर ने पृष्ठभूमि को, को लहरी म्यूजिक और टी सीज द्वारा हिंदी कन्नड़ तमिल तेलुगू और मलयालम भाषाओं के लिए सुरक्षित किया गया था फिल्म का टीजर 23 फरवरी 2023 को जारी किया गया था और तीन दिनों के भीतर इसे 70 मिलियन व्यूज मिले थे इसे दोस्तों हिंदी तमिल तेलुगु और मलायम भाषाओं के डव संस्करण के साथ कन्नड़ में भी रिलीज किया गया था रिलीज किया जाना तय है लेकिन दोस्तों यह फिल्म 2024 में रिलीज होगी फिल्म की बात की जाए तो दोस्तों इस फिल्म में सुपर स्टार अभिनेता धुरुव सज्जा जो की दोस्तों यह एक भारतीय अभिनेता है जो कन्नड़ फिल्म में दिखाई देते हैं उन्होंने दोस्तों अपने अभिनय कैरियर की शुरुआत 2012 की फिल्म अधूरी से की थी सरजा ने 2012 की फिल्म अधूरी से फिल्म में डेब्यू किया था पुरुष प्रधान के रूप में अर्जुन के उनके चरित्र को अल्लोचकों से प्रोशांस मिली थी उन्होंने दोस्तों 2013 में अपना करीबी दोस्त चेतन कुमार के साथ अपनी पहली फिल्म बहादुर के लिए साइन किया गया था फिल्म व्यवसायिक रूप से सफल रही और अप्रैल 2015 में उन्होंने भर जारी के लिए साइन किया था उनकी अगली फिल्म वो गारू पर आधारित थी यह एक हर्षा और सज्जा के सज्जा एक फिल्म के लिए भी बातचीत कर रहे थे ध्रुव सरजा के भाई चिरंजीवी ने जो कन्नड़ फिल्मों में एक अभिनेता थे और उसका जून 2020 को निधन हो गया था उनके बच्चा अर्जुन सरजा एक दक्षिण भारतीय अभिनेता और उनके दादा शक्ति प्रसाद भी कन्नड़ फिल्मों में एक अभिनेता थे अभिनेता ध्रुव सरजा ने नौ दिसंबर 2018 को अपनी बचपन की दोस्ती प्रेरणा से सगाई कर ली थी उन्होंने दोस्तों पच्चीस नवंबर 2019 को शादी कर ली है बात की जाए दोस्तों फिल्म की तो फिल्म में सुपरस्टार अभिनेता सरजा और अभिनेत्री के रूप में भैवी सांडिलिया यह एक भारतीय अभिनेत्री है जो कन्नड़ और तमिल कन्नड़ और मराठी भाषा की फिल्मों में काम करती है मराठी फिल्म 'जानिवा' 2015 से अपनी शुरुआत करने के बाद वह एक 'अलबेला' 2015, सक्का 2000, दो हजार राजा पोडू राजा दो हजार सत्रह और इराइल 2018 कैंप कैम्प मारी दो हजार उन्नीस और गाली पता टू 2022 है हैविने आपने अभिनय की शुरुआत मराठी फिल्म जानीवा 2015 से की जो सामाजिक न्याय पर एक कहानी थी जो दोस्तों अभिनेता महेश मानजेकर के बेटे सत्य की पहली फिल्म के रूप में विख्यात थी इसके बाद वेविन को भगवान दादा की बायोपिक एक अलबेला में विद्या बालन सहित कई कलाकारों के साथ दिखाया गया था जहां दोस्तों उन्होंने साहिर नामक का एक मुस्लिम लड़की का किरदार निभाया था 2016 में भैबरी की मित्र की करीबी फिल्म गहेम फे एल्फ हेड में एक विंधा एक धिंदा नामक का एक विशेष गीत में एक नाटक के रूप में दिखाई दी थी इसे दोस्तों प्रसिद्ध भारतीय नेतृत्व कोरियोग्राफर विष्णुदेव और विष्णुदेव ने कोरियोग्राफर किया था वैवी ने संथानम के साथ दो तमिल भाषा की फिल्मों में सर्वर सुंदरम और सक्का पोडू राजा में अभिनय करने के लिए साइन किया था जहां दोस्तों बाद वाली 2017 में रिलीज हुई और पहली 2018 में रिलीज हुई वैवी ने गौतम के साथ अपनी तीसरी तमिल फिल्म साइन किया था कार्तिक ने 2018 में अठारह में इरुट अर्यल और मुराटू कुत्तथु में अभिनय किया उन्होंने राजविष्णु के साथ कन्नड़ उद्योग में भी शुरुआत किया है और दोस्तों गणेश के साथ अपनी सुपरहिट फिल्म गालीपात गाली पत्ता टू में अभिनय किया था बात की जाए दोस्तों फिल्म मार्टिन में अभिनेत्री सुक्रिता बागले जो कि दोस्तों यह भी दिखाई दी है जो दोस्तों यह एक भारतीय अभिनेत्री है मॉडल जो कन्नड़ फिल्म उद्योग में और तमिल फिल्म उद्योग में काम करती है उन्होंने 2013 में ओम कराफ मूवीज के तहत राज्य पुरस्कार विजेता फिल्म जट्टा से अपनी शुरुआत की थी कर्नाटक के मणिपाल में जन्मी संस्कृता स्मिता और चंदनन वागले की बेटी है उसकी एक बहन है उन्होंने पांडिचेरी से आदित्य और खानपान प्रबंधन में विज्ञान स्नातक की पढ़ाई की है इसके अलावा मास्टर ऑफ साइंस की पढ़ाई करने के बाद उन्होंने बेकुट्टा बालिंगा कॉलेज ऑफ लॉ से बैचलर ऑफ लॉ की पढ़ाई पूरी की है उनके पास बिजनेस और एडमिनिस्ट्रेशन में डिप्लो डिप्लोमा और एविएक्शन हॉस्पिटैलिटी हस, में डिप्लोमा भी किया है भागलो ने अपने कैरियर की शुरुआत एक मॉडल और फोटोग्राफर के रूप में की थी प्रबंधक कुमार जगन्नाथन ने उन्हें निर्देशक बी एम गिरिराज से मिलवाया है जिन्होंने दोस्तों उनकी पहली फिल्म जट्टा का निर्देशन किया था फिल्म में कर्नाटक राज्य फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार जीता और उन्होंने चित्र संथे अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता था उनकी अगली फिल्म निर्देशक सुनी की एक प्रेम कहानी थी वह फिल्म ब्रहपरा में श्रीनगर की बेटी की भूमिका निभाती है उन्होंने दोस्तों सुमना तौर द्वारा निर्देशित किरागुरीन किरागुरीन और ग्याली गालू में अभिनय किया था यह पुन चंद्र तेजस्वी द्वारा लिखित एक प्रसिद्ध उपन्यास पर आधारित फिल्म थी फिल्म में मेघा आलियास मैगी मे, है और यह एकपिडक बाय विलेन की भूमिका निभा रही है व रोहित पद्दार पद्दा के द्वारा निर्देशित फिल्म निर्देश गमानेसी में प्रीति चित्र फिल्म निर्माता की भूमिका निभा रही है वागले कन्नड़ रियलिटी शो बिग बॉस कन्नड़ फो में एक वाइल्ड एक वाइल्ड कार्ड प्रतियोगिता में थे वह के एस आई सी मैसूर सिल्स सिलकस साडी की सैवी वर्षघाट की ब्रांड एसेंडर भी है दोस्तों बात की जाए इस फिल्म में सुपरस्टार अभिनेता मार्टिन मूवी में चिकना यह भी एक भारतीय अभिनेता है जो कन्नड़ सिनेमा में काम करते हैं और दोस्तों मुख्य रूप से हास्य भूमिकाओं के दिखाई देते हैं कि रात का दो हजार ग्यारह के साथ फिल्मों में अपनी शुरुआत किया था जिसके बाद उन्होंने राजा हुल्ली दो हजार तेरह और अधक्षा दो हजार चौदह में उनके प्रदर्शन के लिए पहचाना गया था चिक्कना ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत मैसूर में दृश्य कला विद्य कला के साथ कॉमेडी शो में किया था इसके बाद वह जी कन्नड़ में कॉमेडी कालीगी काले, काले गालू और उदय टीवी पर प्रसारित प्रैंक शो में दिखाई दिए थे अभिनेता यश ने कन्नड़ सिनेमा के हर एक हिरक और जयंती समारोह में उनके प्रदर्शन को देखा था और उन्होंने 2011 की फिल्म किरातक्का में कास्ट किया था राजा होली दो हजार तेरह और अध्यक्ष दो हजार चौदह में उन्होंने यस और सरन के साथ निभाई है दो हजार पंद्रह की फिल्म शूटर में उन्होंने दिगंत के साथ अभिनय किया था और ट्रैक ट्रैक टू बिले के लिए गीत लिखे थे दोस्तों बात की जाए फिल्म मार्टिन में अभिनेता साधु कोकिला यह एक भारतीय अभिनेता है जिन्होंने स्क्रीन नाम साधु कोकिला के नाम से जाना जाता है यह एक भारतीय संग... भारतीय संगीतकार अभिनेता हास्य अभिनेता फिल्म निर्देशक और निर्माता और एक समुदायिक पाठक लेखक और गीतकार है दोस्तों कन्नड़ सिनेमा में काम करते हैं फिल्मों में अभिनय करने से पहले उन्होंने संगीतकार के रूप में अपना अभिनय करियर शुरू किया था और ज्यादातर हास्य भूमिकाओं में नजर आए थे उन्होंने दस कन्नड़ फिल्मों में भी काम किया है और निर्देशन किया था जिसमें से सबसे उल्लेखनीय रक्त और कन्नेरू 2013 है दो हजार तीन है और एक संगीतकार के रूप में वह सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक के लिए कर्नाटक राज्य फिल्म पुरस्कार के दो बार प्राप्त करता है जिसे उन्होंने रक्षस दो हजार पांच और इंथी और प्रथिय दो हजार आठ के लिए जीता था एक अभिनेता के रूप में उन्होंने दक्षिण भारतीय अंतरराष्ट्रीय तो मूवीज पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ हास्य अभिनेता की श्रेणी में कई नामांकन और पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। साधु कोकिला का जन्म हास्य शीलन के रूप में 24 मार्च 1966 को भारत राज्य मैसूर और कर्नाटक के बेंगलोर में नतेश और मंगला के मंगला के एक तमिल नादर और एसआई परिवार में हुआ था उनका जन्म संगीतकार के संगीतकार के परिवार के परिवार में हुआ था उनके पिता कर्नाटक पुलिस विभाग के एक संगीत बैंड और वालिन वादक थे उनकी मां और बहन पार्श्व गायिका थी साधु कोकिला के भाई लेद्र भी एक अभिनेता है ने सेट और जोसेफ इंडियन हाई स्कूल बेंगलोर से पढ़ाई की थी जिन्होंने दोस्तों उन्होंने सिलन की भू पहली फिल्म के लिए निर्देशक उपेंद्र द्वारा मंच नाम साधु कोकिला दिया था अपने भाई द्वारा संगीतकार और कस्तूरी शंकर के पास ले जाने के बाद कोकिला ने संगीतकार के रूप में अपना करियर शुरू किया था वह भारत के भी वह भारत के सबसे तेज और की में से एक है कोकिला ने उन्नीस सौ तिरानवे में सालिना से शादी की और उनके बच्चे हैं बात की जाए दोस्तों तो फिल्म की सुपरस्टार स्टार अभिनेता अभिनेत्री मालविका अविनाश यह भी एक भारतीय अभिनेत्री है जो दोस्तों मार्टिन मूवी में अपनी महत्वपूर्ण भूमिकाओं के लिए जानी जाती है मार्टिन अविनाश यह एक भारतीय अभिनेत्री प्राप्त प्राप्तकर्ता अभिनेत्री टेलीविजन और व्यक्तित्व और राजनीतिज्ञ है जो दोस्तों कर्नाटक की भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान राज्य प्राप्तकर्ता है वह कन्नड़ और तमिल फिल्मों में अपने काम के लिए जानी जाती है उन्होंने जो कन्नड़ पर प्रसारित होने वाले टेलीविजन शो बदुकु जनता बंदी में मिर्जाबनी की थी यह सबसे ज्यादा कमाई करने वाली कन्नड़ फिल्म के चैप्टर टू में कलाकार की टोली का हिस्सा लिया था मालविका का जन्म 28 जनवरी 1976 को एक तमिल परिवार में हुआ था एन गणेश और दोस्तों उनके पिता एक बैंकर और लेखक थे उनकी माँ सावित्री एक गायिका और नाटक ये थी बात की जाए दोस्तों उन्होंने बाल कलाकार के रूप में मालविका के अभिनय के लिए अभिनय के बाद राजेंद्र के लिए पुरस्कार विजेता मलयालम फिल्म और लोकप्रियता कन्नड़ फिल्म नायिका के रूप में सिनेमा प्रवेश हुआ है हालांकि दोस्तों टेलीविजन टेलीविजन में माद्दम्य भी माद्दम्य और बन गया था जिसने दोस्तों उसे अपनाया और उनकी पिछली टेलीविजन श्रृंखला टेलीविजन श्रृंखला हिंदी में गिरी, और कन्नड़ में आशुतोष में आशुतोष नायडू और मलाय में दिनेश बाबू के लिए थी माया माया में उनके प्रदर्शन ने उन्हें कन्नड़ टेलीविजन दर्शकों के बीच प्रतिष्ठा दर्जा प्राप्त किया है माया मगुरा माया मरुगा की सफलता ने दो बाल दो बाल बला का ध्यान खींचा और जिन्होंने उन्हें उन्हें के साथ तमिल सिनेमा जगत में प्रवेश करने के लिए चुना गया था यहाँ दोस्तों मालविका ने नायक और उन्नी की भूमिका निभाई है मालविका की तमिल फिल्मों में को में राजा राज, राजेश्वरी में राजी या राजा राजेश्वरी की भूमिका सन टीवी सीरियल नाइनटी ने एक और फे, फेवरेट सारे लिमिटेड कंपनी के एपिसोड के निर्देशक सेल्वे सेल्वा कुमार और सेल्वा पाड़ी और के बालचंद्रन की नीलावाई शामिल है जहां दोस्तों उन्होंने एक माध्यमिक की भूमिका निभाई थी क्लास वर्गे बुम्बान और कॉलोनी में एक फिर से अपने गुरु बालचंदर के अधीन और उन्हें रानी अरासी में मुदहरे थेला का में चमेली की मथुंगा की भूमिका निभाई है उन्होंने दोस्तों तमिल में अहम भूमिका निभाई है बात की दोस्तों एक और नील का पत्थर एस एल भौरप्पा के प्रसिद्ध उपन्यास और गिरिबंगा के कृष काली की फिल्म में नायक नसमा नंजमा का किरदार निभाया था टेलीविजन अभिनय के अपने दशक में मालविका ने क्रमस ओवर फिल्म साइन सहित कन्नड और हिंदी प्रतिष्ठियों में भूमिका निभाई है जिसमें दोस्तों मालविका के सुभा के किरदार में किरदार ने उनकी आलोचनात्मक प्रशंसा हासिल की थी टी एस सीताराम के लिए मन्नवतरा के अलावा मालवी कहने मुक्ता में मा, माधवी पटेल और आईपीएस की चरित्र जैसे अपने प्रतिष्ठा चरित्र से कन्नड़ दर्शकों की प्रभावित किया था अग्नि एक टास्क और जिसे दोस्तों मालवी का ने इसे टीवी कन्नड़ पर होस्ट किया था जिसके उससे उसके बाद बडुकुन बडुकु जातक बंदी आया और उत्तराध में मालवी का व्यक्तित्व की समस्याओं से निपटती है जिससे दोस्तों पारिवारिक मुद्दों को हल करने के लिए एक वैक एक वैकल्पिक विवाद समाधान मंच प्रदान किया जाता है वह सामाजिक मुद्दों पर भी चर्चा करती है वह बिग बॉस कन्न सीजन फो में भी एक गृहिणी थी 2017 में उन्होंने इलिया थलपथी विजय की फिल्म वैरवा में जज की भूमिका निभाई और उन्होंने मौजूदा सबसे ज्यादा कमाई करने वाली कन्नड़ फिल्म केजेए चैप्टर वन के साथ अभिनय अत्यधिक प्रशांत तमिल फिल्म कैथी में भी अभिनय किया था तीनों बॉक्स ऑफिस पर सौ करोड़ से अधिक की कमाई की और केजेफ चैप्टर कि अगली कड़ी के जब चैप्टर टू जो दोस्तों भारत भारत की ही है और बॉक्स ऑफिस पर हजार करोड़ से अधिक की कमाई करने वाली अब तक की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई थी मालविका ने एक छात्र के रूप में कई अंतरराष्ट्रीय कई अंतरराष्ट्रीय मुट, मुट कोर्ट में भाग लिया था जीता और अपने कॉलेज जर्नल के संपादक के रूप में कार्य किया था एक विकास संचार और संगठन माध्यम में शामिल हुई और टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए एक कानूनी कलम माध्यम जर्नल और दो के लिए उद्यनवी में सहायक संपादक के रूप में कार्य किया है वर्षों से तमिल सप्ताहित और मुकुदम में उनका मालविका का पक्कम और कलम मुकुंदम के लिए एक एगोनी की एक एगोनी आंटी कलम और हाल ही में मालविका अंडर विजया कर्नाटक में एक सप्ताह कलम और मालविका ने जी कन्नड़ की प्रति प्रोग्रामिंग प्रमुख की भूमिका निभाई है मालविका की भरत नाट्यम नाट्यम से जुड़वा जुड़वा पाँच साल की उम्र में शुरू हुआ था जब दोस्तों उनकी माँ ने उसका परिचय दिया और उन्होंने कला क्षेत्र में एम आर कृष्णा मूर्ति के अधीन प्रशिक्षण लिया था उसके बाद दिल्ली में पद पद्द, और सैमसन के अधीन उत्तम प्रशिक्षण प्राप्त किया था बात की जाए दोस्तों फिल्म की सुपर स्टार अभिनेता अचित कुमार जो दोस्तों एक भारतीय अभिनेता है जो दोस्तों मुख्य रूप से तमिल फिल्मों के साथ साथ कन्नड़ सिनेमा में भी काम करते हैं वह दोस्तों के फिल्म श्रृंखला और सिडलिंग और लुसिया में अपने प्रदर्शन के लिए जाने जाते हैं वह तीन फिल्में तो फिल्म फेयर पुरस्कार और दो कर्नाटक राज्य फिल्म पुरस्कार के प्राप्त करता है जिसे वे दोस्तों प्रत्येक सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता श्रेणियों में से एक है कुमार ने अपने समय के दौरान कर्नाटक के तिप्तुर में कॉलेज जाने वाले छात्र के छात्र नटराजन और होलिया में मार्गदर्शन में अपने थिएटर समूहों में जैसे गोलेयारा और बला गंगा बलंगा मुगारू और हु में अभिनय थिएटर ग्रुप के रूप में अभिनय करना शुरू किया था बाद में दोस्तों उन्होंने निन्नासम में एक अभिनेता के रूप में काम किए थे थिएटर में काम करने के दौरान उन्होंने दौरान उन्होंने 2000 में सन 2000 में अपने टेलीविजन धराई को और गृह भंगा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए ग्रेस कासरवाल ग्रेस करावली द्वारा चुना गया था राहिक और मुड मुडला माने में कुमार ने नायक नायक की बेटी में सहाय सहायक और सहयोगी की भूमिका निभाई है प्रीति प्रीति मेले में उन्होंने एक जज जज के के सबसे बड़े बेटे अंत नगा द्वारा अभिनेत्री की भूमिका निभाई है फिल्मों ने फिल्मों में कुमार का करियर 2007 में शुरू हुआ था जब दोस्तों उन्होंने मोकिना और मंसुख आर में मुखिया महिला की पिता और आर दिना गालो 2007 और गैंगस्टर गैंगस्टर आयल कुमार की भूमिका निभाई है दोनों कन्नड़ फिल्म फिल्में और उन्होंने एक चरित्र अभिनेता के रूप में ख्याति प्राप्त की है और दोस्तों प्रति वर्ष लगभग दोस्तों 12 फिल्मों में अभिनय किया था वह कुछ तमिल फिल्मों में भी नजर आए हालांकि दोस्तों 2013 में 2013 की फिल्म लो, लुसिया में कुमार को व्यापक सराहना मिली थी फिल्म में उन्होंने एक मूवी थिएटर के मालिक और निखिल के योज नियोजना संस्करण की भूमिका निभाई है जिसका किरदार सतीश निन्नासम ने दिया निभाया था इसी प्रदर्शन ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार दिलाया था हैस गल्लू 2013 में कुमार ने जूए की आदि कोंडाडा की भूमिका निभाई जो दोस्तों ऋण पर लिए गए पैसे को बर्बाद करते कर देते हैं जिसे दोस्तों उनकी युवा बेटी सुधारने की कोशिश करती है एक प्रदर्शन ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का कर्नाटक राज्य फिल्म पुरस्कार दिलाया था 2022 की ड्रामा फिल्म में कुमार ने एक बिश्वा, सम्मानी और स्वामी देवेंद्र सुतोरू की भूमिका निभाई है जो दोस्तों उनकी मदद करने के लिए आदिवासी समुदाय में जमीन छीनने की योजना बना रहा था। हेराल्ड ने, ने लिखा कि यह देखते हुए कि के कितना है, चरित्र में अचानक परिवर्तन उसके सहज परिवर्तन के दृश्य हो जाता है उदय के महता ने किया था और इसमें ध्रुव सर्जा और व्यभी भी सांडिया ने किया था फिल्म की अन्वेंसी जैन संस्कृता वागले और अच्युत कुमार निकितिन धीर शामिल है फिल्म मार्टिन को डायरेक्टर एपी अर्जुन के डायरेक्टर में बनी फिल्म है इस फिल्म में सुपरस्टार स्टार अभिनेता के रूप में ध्रुआ सरजा पैबी सांडिलिया जैसे और बड़े स्टार आपको दोस्तों देखने को मिलेंगे इस फिल्म को दोस्तों रिलीज डेट 2024 में रिलीज होने वाली न्यू अपकमिंग मूवी है फिल्म संगीत रवि बसरूर और गीत मनीष शर्मा की बनाई गई है इस फिल्म को दोस्तों कन्नड़ भाषा के साथ भारत में रिलीज होगा दोस्तों बात की जाए इस फिल्म की अभिनेता ध्रुव सज्जा अर्जुन के रूप में दिखाई दिए दिखाई देंगे और वेब भी सांडी सान्ड, लिया अनवेश जैन के रूप में दिखाई देगी बात की जाए दोस्तों साउंडट्रैक एल्बम मोनी शर्मा द्वारा रचित है जबकि रवि बसरूर ने पृष्ठभूमि स्कोर तैयार किया है साउंडट्रैक एल्बम को लहरी म्यूजिक और टी सीरीज द्वारा हिंदी कन्नड़ तमिल तेलुगु और मलयालम भाषाओं के लिए सुरक्षित किया गया था फिल्म का टीजर फरवरी 2023 को जारी किया गया था और तीन दिनों के भीतर इसे 70 मिलियन व्यूज मिले थे इसे दोस्तों हिंदी तमिल तेलुगु और मलायम भाषाओं के डव संस्करण के साथ कन्नड़ में भी रिलीज किया गया था रिलीज किया जाना तय है लेकिन दोस्तों यह फिल्म 2024 में रिलीज होगी फिल्म की बात की जाए तो दोस्तों इस फिल्म में सुपरस्टार अभिनेता ध्रुव सज्जा जो कि दोस्तों यह एक भारतीय अभिनेता है जो कन्नड़ फिल्म में दिखाई देते हैं उन्होंने दोस्तों अपने अभिनय कैरियर की शुरुआत 2012 की फिल्म अधूरी से की थी सरजा ने 2012 की फिल्म अधूरी से फिल्म में डेब्यू किया था पुरुष प्रधान के रूप में अर्जुन के उनके चरित्र को आलोचकों से प्रोशांस मिली थी उन्होंने दोस्तों 2013 में अपना करीबी दोस्त चेतन कुमार के साथ अपनी पहली फिल्म बहादुर के लिए साइन किया गया था फिल्म व्यवसायिक रूप से सफल रही और अप्रैल 2015 में उन्होंने भर जारी के लिए साइन किया था उनकी अगली फिल्म तो गारू पर आधारित थी यह एक हारसा और सज्जा के सरजा एक फिल्म के लिए भी बातचीत कर रहे थे ध्रुव सरजा के भाई चिरंजीवी ने जो कन्नड़ में एक अभिनेता थे और उसका जून 2020 को निधन हो गया था। उनके बच्चा अर्जुन सरजा एक दक्षिण भारतीय अभिनेता और उनके दादा शक्ति प्रसाद भी कन्नड़ फिल्मों में एक अभिनेता थे अभिनेता ध्रुव सरजा ने 9 दिसंबर 2018 को अपनी बचपन की दोस्ती प्रेरणा से सगाई कर ली थी उन्होंने दोस्तों 25 नवंबर 2019 को शादी कर ली है बात की जाए दोस्तों फिल्म की तो फिल्म में सुपरस्टार अभिनेता सरजा और अभिनेत्री के रूप में भैवी सैंडलिया यह एक भारतीय अभिनेत्री है जो कन्नड़ और तमिल कन्नड़ और मराठी भाषा की फिल्मों में काम करती है मराठी फिल्म जानीवा 2015 से अपनी शुरुआत करने के बाद वह एक अलबेला 2015, सक्कापोडू 2000, सक्का पोडू दो हजार सक्का पोडू पोडू राजा दो और इराइल 2018 कैंप मारी दो हजार उन्नीस और गाली पता तू 2022 है वैभव ने आपने अभिनय की शुरुआत मराठी फिल्म जानिवार 2015 से की जो सामाजिक न्याय पर एक कहानी थी जो दोस्तों अभिनेता महेश मानजेकर के बेटे सत्य की पहली फिल्म के रूप में विख्यात थी इसके बाद वैभव को भगवान दादा की बायोपिक एक अलबेला में विद्या बालन सहित कई कलाकारों के साथ दिखाया गया था जहां दोस्तों उन्होंने साहिन नामक का एक मुस्लिम लड़की का किरदार निभाया था दो हजार सोलह में भैदरी की मित्र की करीबी फिल्म गहेम फे एल्फ हेड में एक विद्या एक धिंदा नामक का एक विशेष गीत में एक नाटक के रूप में दिखाई दी थी इसे दोस्तों प्रसिद्ध भारतीय नेतृत्व कोरियोग्राफर विष्णुदेव और विष्णुदेव ने कोरियोग्राफर किया था वैवी ने संथानम के साथ दो तमिल भाषा की फिल्मों में सर्वार सुंदरम और सक्का पोडू पोडु राजा में अभिनय करने के लिए साइन किया था जहां दोस्तों बाद वाली 2017 में रिलीज हुई और पहली 2018 में रिलीज हुई वैवी ने गौतम के साथ अपनी तीसरी तमिल फिल्म साइन किया था कार्तिक ने 2018 में अठारह टू इुटूर अर्यल और मुराटू कुत्तु में अभिनय किया उन्होंने राजविष्णु के साथ कन्नड़ उद्योग में भी शुरुआत किया है और दोस्तों गणेश के साथ अपनी सुपरहिट फिल्म गालीपात गाली पत्ता टू में अभिनय किया था बात की जाए दोस्तों फिल्म मार्टिन में अभिनेत्री सुक्रिता बागले जो कि दोस्तों यह भी दिखाई दी है जो दोस्तों यह एक भारतीय अभिनेत्री है मॉडल जो कन्नड़ फिल्म उद्योग में और तमिल फिल्म उद्योग में काम करती है उन्होंने 2013 में ओम कराफ मूवीज के तहत राज्य पुरस्कार विजेता फिल्म जट्टा से अपनी शुरुआत की थी कर्नाटक के मणिपाल में जन्मी संस्कृता स्मिता और संदनन वागले की बेटी है उसकी एक बहन है उन्होंने पांडिचेरी से आदित्य और खानपान प्रबंधन में विज्ञान स्नातक की पढ़ाई की है इसके अलावा मास्टर ऑफ साइंस की पढ़ाई करने के बाद उन्होंने बेकुट्टा बालिंगा कॉलेज ऑफ लॉ से बैचलर ऑफ लॉ की पढ़ाई पूरी की है उनके पास बिजनेस और एडमिनिस्ट्रेशन में डिप्लो मार डिप्लोमा और एविएशन हॉस्पिटैलिटी हस, में डिप्लोमा भी किया है भागलो ने अपने कैरियर की शुरुआत एक मॉडल और फोटोग्राफर के रूप में की थी प्रबंधक कुमार जगन्नाथन ने उन्हें निर्देशक बी एम गिरिराज से मिलवाया है जिन्होंने दोस्तों उनकी पहली फिल्म जट का निर्देशन किया था फिल्म में कर्नाटक राज्य फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार जीता और उन्होंने संथे अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता था उनकी अगली फिल्म निर्देशक सुनी की एक प्रेम कहानी थी वह फिल्म ब्रहपरा में श्रीनगर किट्टी की बेटी की भूमिका निभाती है उन्होंने दोस्तों सुमना कितूर द्वारा निर्देशित किरा गुरीन, किरा और और गालू में अभिनय किया था यह पूर्ण चंद्र तेजस्वी द्वारा लिखित एक प्रसिद्ध उपन्यास पर आधारित फिल्म थी, थी। फिल्म में मेघा आलियास मैगी मे, है और यह एक परपिडक परपीडक टामबाई विलन की भूमिका निभा रही है और रोहित पदार युवा रोहित पदा की द्वारा निर्देशित फिल्म टाई बिटू गमानेसी में प्रीति चित्र फिल्म निर्माता की भूमिका निभा रही है वागले कन्नड़ रियलिटी शो बिग बॉस कन्नड़ 4 में एक वाइल्ड एक वाइल्ड कार्ड प्रतियोगिता में थे वह के एस आई सी मैसूर सिल्क साड़ी की 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 ब्रांड एसेंडर भी है दोस्तों बात जाए इस फिल्म में सुपर स्टार अभिनेता मार्टिन मूवी में चिकना यह भी एक बार अभिनेता है जो कन्नड़ सिनेमा में काम करते हैं और दोस्तों मुख्य रूप से हस्य भूमिकाओं के दिखाई देते हैं कि रात तक का दो के साथ फिल्मों में अपनी शुरुआत किया था जिसके बाद उन्होंने राजा हुल्ली दो और अधक्षा दो हजार में उनके प्रदर्शन के लिए पहुंचाना गया था चिकाना ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत मैसूर में दृश्य कला विद्य कला के साथ कॉमेडी शो में किया था इसके बाद वह जी कन्नड़ में कॉमेडी कालिगी काले डी गालू और उदय टीवी पर प्रसारित प्रैंक शो में दिखाई दिए थे अभिनेता यश ने कन्नड़ सिनेमा के हर एक हिरक और जयंती समारोह में उनके प्रदर्शन को देखा था और उन्होंने 2011 की फिल्म किरा तक्का में कास्ट किया था राजा होली 2013 और 2014 में उन्होंने यश और शरण के साथ भूमिका निभाई है 2015 की फिल्म शर्क शूटर में उन्होंने दिगंत के साथ अभिनय किया था और ट्रैक ट्रैक टू बिले के लिए गीत लिखे थे दोस्तों बात जाए फिल्म मार्टिन में अभिनेता साधु कोकिला यह एक भारतीय अभिनेता है जिन्होंने स्क्रीन नाम साधु कोकिला के नाम से जाना जाता है यह एक भारतीय संग भारतीय संगीतकार अभिनेता हास्य अभिनेता फिल्म निर्देशक और निर्माता और एक समुदायिक पाठक लेखक और गीतकार है जो दोस्तों कन्नड़ सिनेमा में काम करते हैं फिल्मों में अभिनय करने से पहले उन्होंने संगीतकार के रूप में अपना अभिनय करियर शुरू किया था और ज्यादातर हास्य भूमिकाओं में नजर आए थे उन्होंने दस कन्नड़ फिल्मों में भी काम किया है और निर्देशन किया था जिसमें से सबसे उल्लेखनीय रक्त और कन्नेरु 2013 है दो हजार तीन है और एक संगीतकार के रूप में वह सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक के लिए कर्नाटक राज्य फिल्म पुरस्कार के दो बार प्राप्त करता है जिसे उन्होंने रक्ष दो हजार पाँच और इंथी और तृतिया 2008 के लिए जीता था एक अभिनेता के रूप में उन्होंने दक्षिण भारतीय अंतरराष्ट्रीय तो मूवीज पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ हास्य अभिनेता की श्रेणी में कई नामांकन और पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। साधु कोकिला का जन्म हास्य शीलन के रूप में 24 मार्च 1966 को भारत राज्य मैसूर और कर्नाटक के बेंगलोर में और मंगला के मंगला के एक तमिल नादर और ऐसाई परिवार में हुआ था उनका जन्म संगीतकार के संगीतकार के परिवार के परिवार में हुआ था उनके पिता कर्नाटक पुलिस विभाग के एक संगीत बैंड और वालिन वादक थे उनकी माँ और बहन पार्श्व गायिका थी साधु कोकिला के भाई ले भी एक अभिनेता है कोकिला ने सेट और जोसेफ इंडियन हाई स्कूल बेंगलोर से पढ़ाई की थी जिन्होंने दोस्तों उन्होंने श्रीलंक की भोपाली फिल्म के लिए निर्देशक उपेंद्र द्वारा मंच नाम साधु कोकिला दिया था अपने भाई द्वारा संगीतकार और कस्तूरी शंकर के पास ले जाने के बाद कोकिला ने संगीतकार के रूप में अपना करियर शुरू किया था वह भारत के भी वह भारत के सबसे तेज और की खिलाड़ियों में से एक है कोकिला ने उन्नीस सौ तिरानवे में सालिना से शादी की और उनके दो बच्चे हैं बात की जाए दोस्तों तो फिल्म की सुपरस्टार स्टार अभिनेता अभिनेत्री मालविका अविनाश यह भी एक भारतीय अभिनेत्री है जो दोस्तों मार्टिन मूवी में अपनी महत्वपूर्ण भूमिकाओं के लिए जानी जाती है मार्टिन अविनाश यह एक भारतीय अभिनेत्री प्राप्त प्राप्तकर्ता अभिनेत्री टेलीविजन और व्यक्तित्व और राजनीतिज्ञ है जो दोस्तों कर्नाटक की भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान राज्य प्राप्तकर्ता है वह कन्नड़ और तमिल फिल्मों में अपने काम के लिए जानी जाती है उन्होंने जो कन्नड़ पर प्रसारित होने वाले टेलीविजन शो बदुकु जनता बंदी में मिर्जाबनी की थी यह सबसे ज्यादा कमाई करने वाली कन्नड़ फिल्म के चैप्टर टू में कलाकार की टोली का हिस्सा लिया था मालविका का जन्म 28 जनवरी 1976 को एक तमिल परिवार में हुआ था के कहा हुआ और और दोस्तों उनके पिता एक बैंकर लेखक थे उनकी मां सावित्री एक गायिका और नाटक थी बात की है दोस्तों उन्होंने बाल कलाकार के रूप में मालिका के अभिनय के लिए अभिनय के बाद राजेंद्र के लिए पुरस्कार विजेता मलयालम फिल्म और लोकप्रियता कन्नड़ फिल्म नायिका के रूप में सिनेमा प्रवेश हुआ है हालांकि दोस्तों टेलीविजन टेलीविजन में मादधम्य भी मादधम्य और बन गया था जिसने दोस्तों उसे अपनाया और उनकी पिछली टेलीविजन श्रृंखला टेलीविजन श्रृंखला हिंदी में गिरी, और आशुतोष में आशुतोष नायडू और मलाय में दिनेश बाबू के लिए थी माया मगुरा माया में उनके प्रदर्शन ने उन्हें कन्नड़ टेलीविजन दर्शकों के बीच प्रतिष्ठा दर्जा प्राप्त किया है माया मगुरा माया मरुगा की सफलता ने दो बाल दो बाल बला का ध्यान खींचा और जिन्होंने उन्हें उन्हें अन्नी के साथ तमिल सिनेमा जगत में प्रवेश करने के लिए चुना गया था जहां दोस्तों मालविका ने नायक और उन्नी की भूमिका निभाई है मालविका की तमिल फिल्मों में को में राजा राज, राजेश्वरी में राजी या राजा राजेश्वरी की भूमिका सन टीवी सीरियल नाइनटीन ने एक और फे, फेवरेट सारे लिमिटेड कंपनी के एपिसोड के निर्देशक सेल्वे सेल्वा कुमार और सेल्वा पाड़ी और के बालचंद्रन की नीलावाई शामिल है जहां दोस्तों उन्होंने एक माध्यमिक की भूमिका निभाई थी क्लास और वार्गेम कॉमेडी कॉलोनी में एक फिर से अपने गुरु बालचंद्र के अधीन और उन्हें रानी अरासी में मुदहरे थेला का में चमेली की मथुंगा झागे की भूमिका निभाई है उन्होंने दोस्तों तमिल फिल्मों में अहम भूमिका निभाई है बात की जाए दोस्तों एक और नील का पत्थर एस एल भौरप्पा के प्रसिद्ध उपन्यास और गिरी बंगा के क्रिश काशवली की फिल्म में नायक नजमा का किरदार निभाया था टेलीविजन अभिनय के अपने दशक में मालविका ने क्रमस ओवर फिल्म साइन सहित कन्नड़ और हिंदी प्रतिष्ठियों में भूमिका निभाई है जिसमें दोस्तों मालविका के सुबा के, के किरदार में किरदार ने उनकी आलोचनात्मक प्रसाश हासिल की थी टी एन सीताराम के लिए मनवतरा के अलावा मालवी ने मुक्ता में मा, माधवी पटेल और आईपीएस की चरित्र जैसे अपने प्रतिष्ठा चरित्र से कन्नड़ दर्शकों की प्रभावित किया था अग्नि एक टास्क शो और जिसे दोस्तों मालविका ने इसे टीवी कन्नड़ पर होस्ट किया था जिसके उससे उसके बाद बडूकुन बडुकु जातक वंदी आया और उत्तराध में मालवी का व्यक्तित्व की समस्याओं से निपटती है जिससे दोस्तों पारिवारिक मुद्दों को हल करने के लिए एक, वैक, एक वैकल्पिक विवाद समाधान मंच प्रदान किया जाता है वह सामाजिक मुद्दों पर भी चर्चा करती है वह बिग बॉस कन्न सीजन फोर में भी एक गृहिणी थी 2017 में उन्होंने इलिया थलपथी विजय की फिल्म वेरवा में जज की भूमिका निभाई और उन्होंने मौजूदा सबसे ज्यादा कमाई करने वाली कन्नड़ फिल्म केजेब चैप्टर वन के साथ अभिनय अत्यधिक प्रशांत तमिल फिल्म कैथी में भी अभिनय किया था तीनों बॉक्स ऑफिस पर सौ करोड़ से अधिक की कमाई की और केजेब चैप्टर की अगली कड़ी के जब चैप्टर टू जो दोस्तों भारत भारत की ही है और बॉक्स ऑफिस पर हजार करोड़ से अधिक की कमाई करने वाली अब तक की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई थी मालविका ने एक छात्र के रूप में कई अंतरराष्ट्र कई अंतरराष्ट्रीय मुठ कोर्ट में भाग लिया था जीता और अपने कॉलेज जर्नल के संपादक के रूप में कार्य किया था एक विकास संचार और संगठन माध्यम में शामिल हुई और टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए एक कानूनी कलम मध्यम जर्नल और दो के लिए उद्यनवी में सहायक संपादक के रूप में कार्य किया है वर्षों से तमिल सत्ताहित और मुकुदम में उनका मालविका का पक्कम और कलम मुकुदम के लिए एक एगोनी की एक एगोनी आंटी कलम और हाल ही में मालविका अंडर विजया कर्नाटक में एक सप्ताह कलम और मालविका ने जी कन्नड़ की प्रति प्रोग्रामिंग प्रमुख की भूमिका निभाई है मालविका की भरतनाट्यम नाट्यम से जुड़वा जुड़वा पाँच साल की उम्र में शुरू हुआ था जब दोस्तों उनकी माँ ने उसका परिचय दिया और उन्होंने कला क्षेत्र में एम आर मूर्ति के अधीन प्रशिक्षण लिया था उसके बाद दिल्ली में पद पद्द, पद्मश्री सैमसन के अधीन उत्तम प्रशिक्षण प्राप्त किया था बात की जाए दोस्तों फिल्म की सुपर स्टार अभिनेता अचित कुमार जो दोस्तों एक भारतीय अभिनेता है जो दोस्तों मुख्य रूप से तमिल फिल्मों के साथ साथ कन्नड़ सिनेमा में भी काम करते हैं वह दोस्तों के फिल्म श्रृंखला कंतरा लिंगो और लुसिया में अपने प्रदर्शन के लिए जाने जाते हैं वह तीन फिल्में तो फिल्म फेयर पुरस्कार और दो कर्नाटक राज्य फिल्म पुरस्कार के प्राप्त करता है जिसे दोस्तों प्रत्येक सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता श्रेणियों में से एक है कुमार ने अपने समय के दौरान कर्नाटक के तिप्तूर में कॉलेज जाने वाले छात्र के छात्र नटराजन और होलिया मार्गदर्शन में अपने थिएटर समूहों में जैसे गोलेयारा और बला गंगा बलंगा मुगारू और हु में अभिनय थिएटर ग्रुप के रूप में अभिनय करना शुरू किया था बाद में दोस्तों उन्होंने निन्नासम में एक अभिनेता के रूप में काम किए थे थिएटर में काम करने के दौरान उन्होंने दौरान उन्होंने 2000 में सन 2000 में अपने टेलीविजन धराई को और गृह भंगा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए ग्रेस कासरोवाल ग्रेस करावली द्वारा चुना गया था धराहिक और मुड मुडला माने में कुमार ने नायक नायक की बेटी में सहाय सहायक और सहयोगी की भूमिका निभाई है प्रीति इलाजा प्रीति लद्दा मेले में उन्होंने एक जज के रूप जज के सबसे बड़े बेटे अंत नगा द्वारा अभिनेत्री की भूमिका निभाई है फिल्मों ने फिल्म में कुमार का करियर 2007 में शुरू हुआ था जब दोस्तों उन्होंने मोकिना और मंसूह आर में मुख्य महिला की पिता और आर दिना गालू 2007 और गैंगस्टर गैंगस्टर आयल कुमार की भूमिका निभाई है दोनों कन्नड़ फिल्म फिल्में और उन्होंने एक चरित्र अभिनेता के रूप में ख्याति प्राप्त की है और दोस्तों प्रति वर्ष लगभग दोस्तों 12 फिल्मों में अभिनय किया था वह कुछ तमिल फिल्मों में भी नजर आए हालांकि दोस्तों 2013 में 2013 की फिल्म लो, लुसिया में कुमार को व्यापक सराहना मिली थी फिल्म में उन्होंने एक मूवी थिएटर के मालिक और निखिल के योज नियोजना संस्करण की भूमिका निभाई है जिसका किरदार सतीश निनासम ने दिया निभाया था इसी प्रदर्शन ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार दिलाया था हैसगल्लू 2013 में कुमार ने जूए की आदि कोंडाडा की भूमिका निभाई जो दोस्तों ऋण पर लिए गए पैसे को बर्बाद करते कर देते हैं जिसे दोस्तों उनकी युवा बेटी सुधारने की कोशिश करती है एक प्रदर्शन ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का कर्नाटक राज्य फिल्म पुरस्कार दिलाया था 2022 की ड्रामा फिल्म में कुमार ने एक विश्वासघाती बिश्वा, सम्मानित और स्वामी देवेंद्र सुतोरु की भूमिका निभाई है जो दोस्तों उनकी मदद करने के लिए आदिवासी समुदाय में जमीन छिन्ने की योजना बना रहा था डेकन हेराल्ड ने लिखा कि यह देखते हुए कि कितना अच्छुशाली है चरित्र में अचानक परिवर्तन उसके साहस परिवर्तन के दृश्य हो जाता है ने किया था और इसमें ध्रुव सर्जा और वैबी सांडिया ने किया था फिल्म की जैन, संस्कृता वागले और अच्युत निकितिन धीर शामिल है फिल्म मार्टिन को डायरेक्टर एपी अर्जुन के डायरेक्टर में बनी फिल्म है इस फिल्म में सुपरस्टार स्टार अभिनेता के रूप में ध्रुव सरजा पैबी सांडिलिया जैसे और बड़े स्टार आपको दोस्तों देखने को मिलेंगे इस फिल्म को दोस्तों रिलीज डेट 2024 में रिलीज होने वाली न्यू अपकमिंग मूवी है फिल्म की संगीत रवि बसरूर और गीत मनीष शर्मा की बनाई गई है इस फिल्म को दोस्तों कन्नड़ भाषा के साथ भारत में रिलीज होगा दोस्तों बात की जाए इस फिल्म की अभिनेता ध्रुव सजा अर्जुन के रूप में दिखाई दिए दिखाई देंगे और वैबी सा अनवेसी जैन के रूप में दिखाई देगी बात की जाए दोस्तों साउंड ट्रैक एल्बम मनीष शर्मा द्वारा रचित है जबकि रवि बसरूर ने पृष्ठभूमि स्कोर तैयार किया है साउंडट्रैक एल्बम को लहरी म्यूजिक और टी सीरीज द्वारा हिंदी कन्नड़ तमिल तेलुगू और मलयालम भाषाओं के लिए सुरक्षित किया गया था फिल्म का टीजर 23 फरवरी 2023 को जारी किया गया था और तीन दिनों के भीतर इसे 70 मिलियन व्यूज मिले थे इसे दोस्तों हिंदी तमिल तेलुगु और मलयालम भाषाओं के डव संस्करण के साथ कन्नड़ में भी रिलीज किया गया था रिलीज किया जाना तय है लेकिन दोस्तों यह फिल्म 2024 में रिलीज होगी फिल्म की बात की जाए तो दोस्तों इस फिल्म में सुपर स्टार अभिनेता धुरुआ सज्जा जो कि दोस्तों यह एक भारतीय अभिनेता है जो कन्नड़ फिल्म में दिखाई देते हैं उन्होंने दोस्तों अपने अभिनय कैरियर की शुरुआत 2012 की फिल्म अधूरी से की थी सरजा ने 2012 की फिल्म आधूरी से फिल्म में डेब्यू किया था पुरुष प्रधान के रूप में अर्जुन के उनके चरित्र को और से प्रोसांस मिली थी उन्होंने दोस्तों 2013 में अपना करीबी दोस्त चेतन कुमार के साथ अपनी पहली फिल्म बहादुर के लिए साइन किया गया था फिल्म व्यवसायिक रूप से सफल रही और अप्रैल 2015 में उन्होंने भर जारी के लिए साइन किया था उनकी अगली फिल्म पर आधारित थी हर्षा और सज्जा के एक फिल्म के लिए भी बातचीत कर रहे थे ध्रुव सज्जा के भाई चिरंजीवी सरजा ने जो कन्नड़ फिल्मों में एक अभिनेता थे और उसका सात जून 2020 को निधन हो गया था उनके बच्चा अर्जुन सरजा एक दक्षिण भारतीय अभिनेता और उनके दादा शक्ति प्रसाद भी कन्नड़ फिल्म में एक अभिनेता थे अभिनेता ध्रुव सरजा ने 9 दिसंबर 2018 को अपनी बचपन की दोस्ती प्रेरणा से सगाई कर ली थी उन्होंने दोस्तों 25 नवंबर 2019 को शादी कर ली है बात की जाए दोस्तों फिल्म की तो फिल्म में सुपरस्टार अभिनेता सर्जा और अभिनेत्री के रूप में यह एक भारतीय अभिनेत्री है जो कन्नड़ और तमिल कन्नड़ और मराठी भाषा की फिल्मों में काम करती है मराठी फिल्म जानीवा 2015 से अपनी शुरुआत करने के बाद वह एक अल्बेला 2015 हजार पंद्रह सक्का पोडू दो हजार सक्का पोडू पोडू राजा दो हजार सत्रह और इरुटू, अराइल मरुटू कुत्त और कुत्तुथु 2018 के मारी दौल, 2019 और गालीपता 2022 है। पैबिबी ने अपने अभिनय की शुरुआत मराठी फिल्म जानवर 2015 से की जो सामाजिक न्याय पर एक कहानी थी। जो दोस्तों अभिनेता महेश मांझेकर के बेटे सत्या की पहली फिल्म के रूप में विख्यात थी इसके बाद बैहलिन को भगवान दादा की बायोपिक का एक अलबेला में विद्या बालन सहित कई कलाकारों के साथ दिखाया गया था जहां दोस्तों उन्होंने साहिन नामक का एक मुस्लिम लड़की का किरदार निभाया था 2016 में वैदेवी की मि मिस्तरा की करीबी फिल्म गहेम फे एल हेड में एक बिंधा एक धिंदा नामक का एक विशेष गीत में एक नाटक के रूप में दिखाई दी थी इसे दोस्तों प्रसिद्ध भारतीय नृत्यत कोरियोग्राफर विष्णुदेव और विष्णु देव ने कोरियोग्राफर किया था भैरवी ने समानम संथानम के साथ दो तमिल भाषा की फिल्मों में सरवार सुंद्रम और सक्का पोडू पोडू राजा में अभिनय करने के लिए साइन किया था जहां दोस्तों बाद वाले 2017 में रिलीज हुई और पहली 2018 में रिलीज हुई वैवी ने गौतम के साथ अपनी तीसरी तमिल फिल्म साइन किया था कार्तिक ने 2018 में अठारह में इुटू अयर अर्यल और मुराटू कुथ में अभिनय किया उन्होंने राजविष्णु के साथ कन्नड़ उद्योग में भी शुरुआत किया है और दोस्तों गणेश के साथ अपनी सुपरहिट फिल्म गालीपात गाली पत्ता टू में अभिनय किया था बात की जाए दोस्तों फिल्म मार्टिन में अभिनेत्री सुक्रिता बागले जो की दोस्तों यह भी दिखाई दी है जो दोस्तों यह एक भारतीय अभिनेत्री है मॉडल जो कन्नड़ फिल्म उद्योग में और तमिल फिल्म उद्योग में काम करती है उन्होंने 2013 में ओम में मूवीज के तहत राज्य पुरस्कार विजेता फिल्म जट्टा से अपनी शुरुआत की थी कर्नाटक तो के मणिपाल में जन्मी संस्कृता स्मिता और चंदनन वागले की बेटी है उसकी एक बहन है उन्होंने पांडिचेरी से अदित और खानपान प्रबंधन में विज्ञान स्नातक की पढ़ाई की है इसके अलावा मास्टर ऑफ साइंस की पढ़ाई करने के बाद उन्होंने बेकुट्टा बालिंगा कॉलेज ऑफ लॉ से बैचलर ऑफ लॉ की पढ़ाई पूरी की है उनके पास बिजनेस और एडमिनिस्ट्रेशन में डिप्लो मार डिप्लोमा और एविएक्शन हॉस्पिटैलिटी हस, में डिप्लोमा भी किया है भागलो ने अपने कैरियर की शुरुआत एक मॉडल और फोटोग्राफर के रूप में की थी प्रबंधक कुमार जगन्नाथन ने उन्हें निर्देशक बी एम गिरिराज से मिलवाया है जिन्होंने दोस्तों उनकी पहली फिल्म जट्टा का निर्देशन किया था फिल्म में कर्नाटक राज्य फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार जीता और उन्होंने में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता था उनकी अगली फिल्म निर्देशक सुनी की एक प्रेम कहानी थी वह फिल्म ब्रहपरा में श्रीनगर किट्टी की बेटी की भूमिका निभाती है उन्होंने दोस्तों सुम। सुमना कितूर द्वारा निर्देशित किरागुरीन किरा, गुरीन, किरा और गैली गालू में अभिनय किया था यह पूर्ण चंद्र तेजस्वी द्वारा लिखित एक प्रसिद्ध उपन्यास पर आधारित फिल्म थी फिल्म में मेघा आलियास मैगी मे, है और यह एक परपीडक परपीडक टामबाई विलेन की भूमिका निभा रही है वह रोहित पद्दार व रोहित पद्दा की द्वारा निर्देशित फिल्म टाय बिटू गमानेसी में प्रीति चित्र फिल्म निर्माता की भूमिका निभा रही है वागले कन्नड़ रियलिटी शो बिग बॉस कन्नड़ फो में एक वाइल्ड कार्ड एक वाइल्ड कार्ड प्रतियोगिता में थे वह के एस आई सी मैसूर सिल्क सिल्क साड़ी की सैबी बर्स घाट की ब्रांड एसेंडर भी है दोस्तों बात की जाए इस फिल्म में सुपरस्टार अभिनेता मार्टिन मूवी में चिकना यह भी एक बार भारतीय अभिनेता है जो कन्नड़ सिनेमा में काम करते हैं और दोस्तों मुख्य रूप से हास्य भूमिकाओं के दिखाई देते हैं कि रात का दो हजार ग्यारह के साथ फिल्मों में अपनी शुरुआत किया था जिसके बाद उन्होंने राजा हुल्ली 2013 और अधक्षा 2014 में उनके प्रदर्शन के लिए पहचाना गया था चिकना ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत मैसूर में दृश्य कला विद्य कला के साथ कॉमेडी शो में किया था इसके बाद वह जीके कन्नड़ में कॉमेडी कालेगी काले, काले डिगालू और उदय टीवी पर प्रसारित प्रैंक शो में दिखाई दिए थे अभिनेता यश ने कन्नड़ सिनेमा के हर एक हिरक और जयंती समारोह में उनके प्रदर्शन को देखा था और उन्होंने 2011 की फिल्म किरा तक्का में कास्ट किया था राजा होली 2013 और 2014 में उन्होंने यश और शरण के साथ भूमिका निभाई है 2015 की फिल्म की शूटर में उन्होंने दिगंत के साथ अभिनय किया था और ट्रैक ट्रैक टू बिले के लिए गीत लिखे थे दोस्तों बात जाए फिल्म मार्टिन में अभिनेता साधु कोकिला यह एक भारतीय अभिनेता है जिन्होंने स्क्रीन नाम साधु कोकिला के नाम से जाना जाता है यह एक भारतीय संग... भारती संगीतकार अभिनेता हास्य अभिनेता फिल्म निर्देशक और निर्माता और एक समुदायिक पाठक लेखक और गीतकार है दोस्तों कन्नड़ सिनेमा में काम करते हैं फिल्मों में अभिनय करने से पहले उन्होंने संगीतकार के रूप में अपना अभिनय करियर शुरू किया था और ज्यादातर हास्य भूमिकाओं में नजर आए थे उन्होंने दस कन्नड़ फिल्मों में भी काम किया है और निर्देशन किया था जिसमें से सबसे उल्लेखनीय रक्त और कन्नेरू 2013 है दो हजार तीन है और एक संगीतकार के रूप में वह सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक के लिए कर्नाटक राज्य फिल्म पुरस्कार के दो बार प्राप्त करता है जिसे उन्होंने रक्षस दो हजार पाँच और इंथी और प्रथिय दो हजार आठ के लिए जीता था एक अभिनेता के रूप में उन्होंने दक्षिण भारतीय अंतर्राष्ट्रीय मूवीज पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ हास्य अभिनेता की श्रेणी में कई नामांकन और पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। साधु कोकिला का जन्म हास्य शीलन के रूप में 24 मार्च 1966 को भारत राज्य मैसूर और कर्नाटक के बेंगलोर में और मंगला के मंगला के एक तमिल नादर और एसआई परिवार में हुआ था उनका जन्म संगीतकार के संगीतकार के परिवार के परिवार में हुआ था उनके पिता कर्नाटक पुलिस विभाग के एक संगीत बैंड और वालिन वादक थे उनकी माँ और बहन पार्श्व गायिका थी साधु कोकिला के भाई ले भी एक अभिनेता है कोकिला ने सेट और जोसेफ इंडियन हाई स्कूल बेंगलोर से पढ़ाई की थी जिन्होंने दोस्तों उन्होंने श्रीलंकी की पहली फिल्म के लिए निर्देशक उपेंद्र द्वारा मंच नाम साधु कोकिला दिया था अपने भाई द्वारा संगीतकार और कस्तूरी शंकर के पास ले जाने के बाद कोकिला ने संगीतकार के रूप में अपना करियर शुरू किया था वह भारत के भी वह भारत के सबसे तेज और कीबोर्ड खिलाड़ियों में से एक है कोकिला ने उन्नीस सौ तिरानवे में सालिना से शादी की और उनके बच्चे हैं। बात की जाए दोस्तों तो फिल्म की सुपरस्टार अभिनेता अभिनेत्री मालविका अविनाश यह भी एक भारतीय अभिनेत्री है जो दोस्तों मार्टिन मूवी में अपनी महत्वपूर्ण भूमिकाओं के लिए जानी जाती है मार्टिन अविनाश यह एक भारतीय अभिनेत्री प्राप्त प्राप्तकर्ता अभिनेत्री टेलीविजन और व्यक्तित्व और राजनीतिज्ञ है जो दोस्तों कर्नाटक की भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान राज्य प्राप्तकर्ता है वह कन्नड़ और तमिल फिल्मों में अपने काम के लिए जानी जाती है उन्होंने जो कन्नड़ पर प्रसारित होने वाले टेलीविजन शो बदुकु जनता बंदी में मिर्जाबनी की थी यह सबसे ज्यादा कमाई करने वाली कन्नड़ फिल्म के चैप्टर टू में कलाकार की टोली का हिस्सा लिया था मालविका का जन्म 28 जनवरी 1976 को एक तमिल परिवार में हुआ था के कहा हुआ और दोस्तों उनके पिता एक बैंकर और लेखक थे उनकी मां सावित्री एक गायिका और नाटक ये थी बात जाए दोस्तों उन्होंने बाल कलाकार के रूप में मालिका के अभिनय के लिए अभिनय के बाद राजेंद्र के लिए पुरस्कार विजेता मलयालम फिल्म और लोकप्रियता कन्नड़ फिल्म नायिका के रूप में सिनेमा प्रवेश हुआ है हालांकि दोस्तों टेलीविजन टेलीविजन में माद्दम्य भी माध्यमी और बन गया था जिसने दोस्तों उसे अपनाया और उनकी पिछली टेलीविजन श्रृंखला टेलीविजन श्रृंखला हिंदी में गिरी, और कन्नड़ में आशुतोष में आशुतोष नायडू और मलाय में दिनेश बाबू के लिए थी माया माया मरुगा में उनके प्रदर्शन ने उन्हें कन्नड़ टेलीविजन दर्शकों के बीच प्रतिष्ठा दर्जा प्राप्त किया है माया मगुरा माया मरुगा की सफलता ने दो बाल दो बाल बला का ध्यान खींचा और जिन्होंने उन्हें उन्हें अन्नी के साथ तमिल सिनेमा जगत में प्रवेश करने के लिए चुना गया था जहां दोस्तों मालविका ने नायक और उन्नी की भूमिका निभाई है मालविका की तमिल फिल्मों में को में राजा राजेश्वरी में राजी या राजा राजेश्वरी की भूमिका सन टीवी सीरियल नाइनटी ने एक किडस और फे, फेवरेट सारे लिमिटेड कंपनी के एपिसोड के निर्देशक सेल्वे सेल्वा कुमार और सेल्वा पाड़ी और के बालचंद्रन की नीलावाई शामिल है जहां दोस्तों उन्होंने एक माध्यमिक की भूमिका निभाई थी क्लास वार्गिक और पद कॉमेडी कॉलोनी में एक फिर से अपने गुरु बालचंद्र के अधीन और उन्हें रानी अरासी में मुदहरे थेला का में चमेली की मथुंगा झागे की भूमिका निभाई है उन्होंने दोस्तों तमिल फिल्मों में अहम भूमिका निभाई है। बात की जाए दोस्तों एक और नील का पत्थर एस एल भारत के प्रसिद्ध बनास और ग्रीबंगा के कृष काशवली की फिल्म में नायक नर्समा नंजमा का किरदार निभाया था टेलीविजन अभिनय के अपने दशक में मालविका ने क्रमस ओवर फिल्म साइन सहित कन्नड़ और हिंदी प्रतिष्ठियों में भूमिका निभाई है जिसमें दोस्तों मालविका के सुभाग के किरदार के में किरदार ने उनकी आलोचनात्मक प्रसाश हासिल की थी टी एन सीताराम के लिए मनवतरा के अलावा मालविका ने मुक्ता में मा, माधवी पटेल और आईपीएस की आई पी की से अपने प्रतिष्ठा चरित्र से कन्नड़ दर्शकों की प्रभावित किया था। अग्नि एक और जिसे दोस्तों मालविका ने इसे टीवी कन्नड़ पर होस्ट किया था जिसके उससे उसके बाद बडूकुन बडुकु जातक बंदी आया और उत्तराध में मालवी का व्यक्तित्व की समस्याओं से निपटती है जिससे दोस्तों पारिवारिक मुद्दों को हल करने के लिए एक, वैक, एक वैकल्पिक विवाद समाधान मंच प्रदान किया जाता है वह सामाजिक मुद्दों पर भी चर्चा करती है वह बिग बॉस कन्नड़ सीजन फोर में भी एक गृहिणी थी 2017 में उन्होंने इलिया थलपथी विजय की फिल्म में जज की भूमिका निभाई और उन्होंने मौजूदा सबसे ज्यादा कमाई करने वाली कन्नड़ फिल्म केजेफ चैप्टर वन के साथ अभिनय अत्यधिक प्रशांत तमिल फिल्म कैथी में भी अभिनय किया था तीनों बॉक्स ऑफिस पर सौ करोड़ से, से अधिक की कमाई की और केजेफ चैप्टर की अगली कड़ी के जब चैप्टर टू जो दोस्तों भारत भारत की ही है और बॉक्स ऑफिस पर हजार करोड़ से अधिक की कमाई करने वाली अब तक की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई थी मालविका ने एक छात्र के रूप में कई अंतरराष्ट्र कई अंतरराष्ट्रीय मुठ कोर्ट में भाग लिया था जीता और अपने कॉलेज जर्नल के संपादक के रूप में कार्य किया था एक विकास संचार और संगठन माध्यम में शामिल हुई और टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए एक कानूनी कलम मध्यम जर्नल और दो के लिए उद्यनवी में सहायक संपादक के रूप में कार्य किया है वर्षों से तमिल सप्ताहित और मुकुदम में उनका मालविका का पक्कम और कलम मुकुदम के लिए एक एगोनी की एक एगोनी आंटी कलम और हाल ही में मालविका अंडर विजया कर्नाटक में एक सप्ताह कलम और मालविका ने जी कन्नड़ की प्रति प्रोग्रामिंग प्रमुख की भूमिका निभाई है मालविका की भरतनाट्यम नाट्यम से जुड़वा जुड़वा पाँच साल की उम्र में शुरू हुआ था जब दोस्तों उनकी माँ ने उसका परिचय दिया और उन्होंने कला क्षेत्र में एम आर मूर्ति के अधीन प्रशिक्षण लिया था उसके बाद दिल्ली में पद पद्द, पद्मश्री सैमसन के अधीन उत्तम प्रशिक्षण प्राप्त किया था बात की जाए दोस्तों फिल्म की सुपर स्टार अभिनेता अचित कुमार जो दोस्तों एक भारतीय अभिनेता है जो दोस्तों मुख्य रूप से तमिल फिल्मों के साथ साथ कन्नड़ सिनेमा में भी काम करते हैं वह दोस्तों के फिल्म श्रृंखला कंतरा लिंगो और लुसिया में अपने प्रदर्शन के लिए जाने जाते हैं वह तीन फिल्म फेयर पुरस्कार और तो कर्नाटक राज्य फिल्म पुरस्कार के प्राप्त करता है जिसे सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता श्रेणियों में से एक है कुमार ने अपने समय के दौरान कर्नाटक के तिप्तुर में कॉलेज जाने वाले छात्र के छात्र नटराजन और होलिया में मार्गदर्शन में अपने थिएटर समूहों में जैसे गोले यारा और बला गंगा बलंगा मुगारू और हुडुगारू में अभिनय थिएटर ग्रुप के रूप में अभिनय करना शुरू किया था बाद में दोस्तों उन्होंने निनासम में एक अभिनेता के रूप में काम किए थे थिएटर में काम करने के दौरान उन्होंने दौरान उन्होंने 2000 में सन 2000 में अपने टेलीविजन धराई को और गृह भंगा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए ग्रेस कासरावल ग्रेस करावली द्वारा चुना गया था धराहिक और मुड मुडला माने में कुमार ने नाइक नायक की बेटी में सहाय सहायक और सहयोगी की भूमिका निभाई है प्रीति इलाजा प्रीति लद्दा मेले में उन्होंने एक जज के रूप जज के सबसे बड़े बेटे अंत नगा द्वारा अभिनेत्री की भूमिका निभाई है फिल्मों ने फिल्म में कुमार का करियर 2007 में शुरू हुआ था जब दोस्तों उन्होंने मोकिना और मनसुख दो आर में मुखिया महिला की पिता और आर दिना गालू 2007 और गैंगस्टर गैंगस्टर आयल कुमार की भूमिका निभाई है दोनों कन्नड़ फिल्म फिल्में और उन्होंने एक चरित्र अभिनेता के रूप में ख्याति प्राप्त की है और दोस्तों प्रति वर्ष लगभग दोस्तों 12 फिल्मों में अभिनय किया था वह कुछ तमिल फिल्मों में भी नजर आए हालांकि दोस्तों 2013 में 2013 की फिल्म लो, लुसिया में कुमार को व्यापक सराहना मिली थी फिल्म में उन्होंने एक मूवी थिएटर के मालिक और निखिल के नियोजना संस्करण की भूमिका निभाई है जिसका किरदार सतीश निन्नासम ने दिया निभाया था इसी प्रदर्शन ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार दिलाया था हैस गल्लू 2013 में कुमार ने जूए की आदि कोंडाडा की भूमिका निभाई जो दोस्तों ऋण पर लिए गए पैसे को बर्बाद करते कर देते हैं जिसे दोस्तों उनकी युवा बेटी सुधारने की कोशिश करती है एक प्रदर्शन ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का कर्नाटक राज्य फिल्म पुरस्कार दिलाया था 2022 की ड्रामा फिल्म में कुमार ने एक विश्वासघाती बिश्वा, सम्मानित और स्वामी देवेंद्र सुतोरू की भूमिका निभाई है जो दोस्तों उनकी मदद करने के लिए आदिवासी समुदाय में जमीन की योजना बना रहा था डेकन हेराल्ड ने लिखा कि यह देखते हुए की कि कि के कितना प्रतिभावशाली है चरित्र में अचानक परिवर्तन उसके साहस परिवर्तन के दृश्य हो जाता है इस वीडियो में इस मूवी से जुड़े कुछ ऐसे न्यूज स्टोरी को देने वाले हैं। फिल्म मार्टिन यह एक आगामी भारतीय कन्नड़ भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो दोस्तों अर्जुन सरजा द्वारा लिखी गई कहानी से एपी अर्जुन द्वारा डायरेक्टर भी बनी फिल्म है फिल्म का प्रोड्यूसर उदय के उदय के मोहता ने किया था और इसमें ध्रुव सरजा और बेबी सांडिया ने किया था फिल्म की अन्वेंसी जैन संस्कृता वागले और अच्युत कुमार निकितिन धीर शामिल है फिल्म मार्टिन को डायरेक्टर एपी अर्जुन के डायरेक्टर में बनी फिल्म है इस फिल्म में सुपर स्टार अभिनेता के रूप में ध्रुआ सरजा पैबी सांडेलिया जैसे और बड़े स्टार आपको दोस्तों देखने को मिलेंगे इस फिल्म को दोस्तों रिलीज डेट 2024 में रिलीज होने वाली न्यूअपिंग मूवी है फिल्म की संगीत रवि बसरूर और गीत मनीष शर्मा की बनाई गई है इस फिल्म को दोस्तों भाषा के साथ भारत में रिलीज होगा दोस्तों बात की जाए इस फिल्म की अभिनेता ध्रुव सज्जा अर्जुन के रूप में दिखाई दिए दिखाई देंगे और वैबी सांडीलिया अनवेष जैन के रूप में दिखाई देगी बात की जाए दोस्तों साउंड ट्रैक एल्बम मनीष शर्मा द्वारा रचित है जबकि रवि बसरूर ने पृष्ठभूमि तैयार किया है एल्बम को लहरी म्यूजिक और टी सीरीज द्वारा हिंदी कन्नड़ तमिल तेलुगु और मलयालम भाषाओं के लिए सुरक्षित किया गया था फिल्म का टीजर 23 फरवरी 2023 को जारी किया गया था और तीन दिनों के भीतर इसे 70 मिलियन व्यूज मिले थे इसे दोस्तों हिंदी तमिल तेलुगु और मलायम भाषाओं के डव संस्करण के साथ कन्नड़ में भी रिलीज किया गया था रिलीज किया जाना तय है लेकिन दोस्तों यह फिल्म 2024 में रिलीज होगी फिल्म की बात की जाए तो दोस्तों इस फिल्म में सुपर स्टार अभिनेता धोरव सज्जा जो कि दोस्तों यह एक भारतीय अभिनेता है जो कन्नड़ फिल्म में दिखाई देते हैं उन्होंने दोस्तों अपने अभिनय कैरियर की शुरुआत 2012 की फिल्म अधूरी से की थी सरजा ने 2012 की फिल्म अधूरी से फिल्म में डेब्यू किया था पुरुष प्रधान के रूप में अर्जुन के उनके चरित्र को आलोचकों से प्रोसांस मिली थी उन्होंने दोस्तों 2013 दो में अपना करीबी दोस्त चेतन कुमार के साथ अपनी पहली फिल्म बहादुर के लिए साइन किया गया था फिल्म व्यवसायिक रूप से सफल रही और अप्रैल 2015 में उन्होंने भर जारी के लिए साइन किया था, उनकी अगली फिल्म गारू पर आधारित थी यह एक हर्षा और सज्जा के सज्जा एक फिल्म के लिए भी बातचीत कर रहे थे ध्रुव सज्जा के भाई चिरंजीवी सरजा ने जो कन्नड़ फिल्मों में एक अभिनेता थे और उसका सात जून दो हजार बीस को निधन हो गया था उनके बच्चा अर्जुन सरजा एक दक्षिण भारतीय अभिनेता और उनके दादा शक्ति प्रसाद भी कन्नड़ फिल्मों में एक अभिनेता थे अभिनेता धुरुवर सरजा ने 9 दिसंबर 2018 को अपनी बचपन की दोस्ती प्रेरणा से सगाई कर ली थी उन्होंने दोस्तों पच्चीस नवंबर दो हजार उन्नीस को शादी कर ली है बात की जाए दोस्तों फिल्म की तो फिल्म में सुपर स्टार अभिनेता सरजा और अभिनेत्री के रूप में वैवी सांडिलिया यह एक भारतीय अभिनेत्री है जो कन्नड़ और तमिल कन्नड़ और मराठी भाषा की फिल्मों में काम करती है मराठी फिल्म जानीवा 2015 से अपनी शुरुआत करने के बाद वह एक अलबेला 2015 सक्का पोडू 2000 सक्का पोडू पोडू राजा 2017 और इरुटू अराइल मरुटू मरुटुकत और कुथुथुम 2018 कैंप मारी दोल 2019 और गाली पता 2 2022 है ने अपने अभिनय की शुरुआत मराठी फिल्म जानीवार से की जो सामाजिक न्याय पर एक कहानी थी जो दोस्तों अभिनेता महेश मांझेकर के बेटे सत्या की पहली फिल्म के रूप में विख्यात थी इसके बाद वैवीन को भगवान दादा की बायोपिक एक अलबेला में बालन सहित कई कलाकारों के साथ दिखाया गया था जहां दोस्तों उन्होंने शाहन नामक का एक मुस्लिम लड़की का किरदार निभाया था दो हजार सोलह में भैदरी की मित्र की करीबी फिल्म गहेम फे एल्फ हेड में एक बिंदा एक धिधा नामक का एक विशेष गीत में एक नाटक के रूप में दिखाई दी थी इसे दोस्तों प्रसिद्ध भारतीय तो, कोरियोग्राफर विष्णुदेव और विष्णुदेव ने किया था। ने संथानम के साथ दो तमिल भाषा की फिल्मों में सर्वार सुंदरम और सक्का पोडु पोडु राजा में अभिनय करने के लिए साइन किया था जहां दोस्तों बाद वाली 2017 में रिलीज हुई और पहली 2018 में रिलीज हुई वैवी ने गौतम के साथ अपनी तीसरी तमिल फिल्म साइन किया था कार्तिक ने 2018 में ईरू में इरुटूर अर्यल और मुराटू कुत्तथू में अभिनय किया उन्होंने राजविष्णु के साथ कन्नड़ उद्योग में भी शुरुआत किया है और दोस्तों गणेश के साथ अपनी सुपरहिट फिल्म गालीपात गाली पत्ता टू में अभिनय किया था बात की जाए दोस्तों फिल्म मार्टिन में अभिनेत्री सुक्रिता बागले जो की दोस्तों यह भी दिखाई दी है जो दोस्तों यह एक भारतीय अभिनेत्री है मॉडल जो कन्नड़ फिल्म उद्योग में और तमिल फिल्म उद्योग में काम करती है उन्होंने 2013 में ओम कराफ मूवीज के तहत राज्य पुरस्कार विजेता फिल्म जट्टा से अपनी शुरुआत की थी कर्नाटक के मणिपाल में जन्मी संस्कृता स्मिता और संदनन वागले की बेटी है उसकी एक बहन है उन्होंने पांडिचेरी से आदित्य और खानपान प्रबंधन में विज्ञान स्नातक की पढ़ाई की है इसके अलावा मास्टर ऑफ साइंस की पढ़ाई करने के बाद उन्होंने बेकुट्टा वालिंगा कॉलेज ऑफ लॉ से बैचलर ऑफ लॉ की पढ़ाई पूरी की है उनके पास बिजनेस और एडमि एडमिनिस्ट्रेशन में डिप्लोमा डिप्लोमा और एविएक्शन हॉस्पिटैलिटी में डिप्लोमा भी किया है भागलों ने अपने कैरियर की शुरुआत एक मॉडल और फोटोग्राफर के रूप में की थी प्रबंधक कुमार जगन्नाथन ने उन्हें निर्देशक बी एम गिरिराज से मिलवाया है जिन्होंने दोस्तों उनकी पहली फिल्म जट्टा का निर्देशन किया था फिल्म में कर्नाटक राज्य फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार जीता और उन्होंने चित्र संथे अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता था उनकी अगली फिल्म निर्देशक सुनी की एक प्रेम कहानी थी वह फिल्म ब्रहपराक में श्रीनगर की बेटी की भूमिका निभाती है उन्होंने दोस्तों सुमना द्वारा निर्देशित किरागुर किरा, और ग्याली, गालू में अभिनय किया था पुन चंद्र तेजस्वी द्वारा लिखित एक प्रसिद्ध उपन्यास पर आधारित फिल्म थी फिल्म में मेघा आलियास मैगी मे, है और यह एक परपीडक परपिडक रामबाई बिलन की भूमिका निभा रही है वह रोहित पदा और रोहित पदा के द्वारा निर्देशित फिल्म टायर बिटू गमानेसी में प्रीति चित्र फिल्म निर्माता की भूमिका निभा रही है वागले कन्नड़ रियलिटी शो बिग बॉस कन्नड़ 4 में एक वाइल्ड एक वाइल्ड कार्ड प्रतियोगिता में थे वह के एस आई सी मैसूर सिल्क साड़ी की 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 ब्रांड एसेंडर भी है दोस्तों बात की जाए इस फिल्म में सुपर स्टार अभिनेता मार्टिन मूवी में चिक्कना यह भी एक बार अभिनेता है जो कन्नड़ सिनेमा में काम करते हैं और दोस्तों मुख्य रूप से हास्य भूमिकाओं के दिखाई देते हैं कि रात तक का के साथ फिल्मों में अपनी शुरुआत किया था जिसके बाद उन्होंने राजा हुल्ली 2013 और अधक्षा 2014 में उनके प्रदर्शन के लिए पहचाना गया था चिक्कना ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत मैसूर में दृश्य कला विद्य कला के साथ कॉमेडी शो में किया था इसके बाद वह जी कन्नड़ में कॉमेडी कालेगी काले, काले गालू और उदय टीवी पर प्रसारित प्रैंक शो में दिखाई दिए थे अभिनेता यश ने कन्नड़ सिनेमा के हर एक हिरक और जयंती समारोह में उनके प्रदर्शन को देखा था और उन्होंने 2011 की फिल्म किरातक्का में कास्ट किया था राजा होली 2013 और 2014 में उन्होंने यश और शरण के साथ भूमिका निभाई है 2015 की फिल्म शूटर में उन्होंने दिगंत के साथ अभिनय किया था और ट्रैक ट्रैक टू बिले के लिए गीत लिखे थे दोस्तों बात की जाए फिल्म मार्टिन में अभिनेता साधु कोकिला यह एक भारतीय अभिनेता है जिन्होंने स्क्रीन नाम साधु कोकिला के नाम से जाना जाता है यह एक भारतीय संग... भारतीय संगीतकार अभिनेता हास्य अभिनेता फिल्म निर्देशक और निर्माता और एक समुदायिक पाठक लेखक और गीतकार है दोस्तों कन्नड़ सिनेमा में काम करते हैं फिल्मों में अभिनय करने से पहले उन्होंने संगीतकार के रूप में अपना अभिनय करियर शुरू किया था और ज्यादातर हास्य भूमिकाओं में नजर आए थे उन्होंने दस कन्नड़ फिल्मों में भी काम किया है और निर्देशन किया था जिसमें से सबसे उल्लेखनीय रक्त और कन्नेरू 2013 है दो हजार तीन है और एक संगीतकार के रूप में वह सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक के लिए कर्नाटक राज्य फिल्म पुरस्कार के दो बार प्राप्त करता है जिसे उन्होंने रक्ष दो हजार पांच और इंथी और प्रति 2008 के लिए जीता था एक अभिनेता के रूप में उन्होंने दक्षिण भारतीय अंतरराष्ट्रीय मूवीज पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ हास्य अभिनेता की श्रेणी में कई नामांकन और पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। साधु कोकिला का जन्म हास्य शीलन के रूप में 24 मार्च 1966 को भारत राज्य मैसूर और कर्नाटक के बेंगलोर में और मंगला के मंगला के एक तमिल नादर और एसआई परिवार में हुआ था उनका जन्म संगीतकार के संगीतकार के परिवार के परिवार में हुआ था उनके पिता कर्नाटक पुलिस विभाग के एक संगीत बैंड और वालिन वादक थे उनकी माँ और बहन पार्श्व गायिका थी साधु कोकिला के भाई ले भी एक अभिनेता है कोकिल्ला ने सेट और जोसेफ इंडियन हाई स्कूल बेंगलोर से पढ़ाई की थी जिन्होंने दोस्तों उन्होंने सिलन की पहली फिल्म के लिए निर्देशक उपेंद्र द्वारा मंच नाम साधु कोकिला दिया था अपने भाई द्वारा संगीतकार और कस्तूरी शंकर के पास ले जाने के बाद कोकिला ने संगीतकार के रूप में अपना करियर शुरू किया था वह भारत के भी वह भारत के सबसे तेज और कीबोर्ड खिलाड़ियों में से एक हैं। कोकिला ने उन्नीस सौ तिरानवे में सालिना से शादी की और उनके दो बच्चे हैं बात की जाए दोस्तों तो फिल्म की सुपरस्टार स्टार अभिनेता अभिनेत्री मालविका अविनाश यह भी एक भारतीय अभिनेत्री है जो दोस्तों मार्टिन मूवी में अपनी महत्वपूर्ण भूमिकाओं के लिए जानी जाती है मार्टिन अविनाश यह एक भारतीय अभिनेत्री प्राप्त प्राप्तकर्ता अभिनेत्री टेलीविजन और व्यक्तित्व और राजनीतिज्ञ है जो दोस्तों कर्नाटक की भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान राज्य प्राप्तकर्ता है वह कन्नड़ और तमिल फिल्मों में अपने काम के लिए जानी जाती है उन्होंने जो कन्नड़ पर प्रसारित होने वाले टेलीविजन शो बदुकु जनता बंदी में मिर्जाबनी की थी यह सबसे ज्यादा कमाई करने वाली कन्नड़ फिल्म के चैप्टर टू में कलाकार की टोली का हिस्सा लिया था मालविका का जन्म 28 जनवरी 1976 को एक तमिल परिवार में हुआ था एन गणेश लेखक थे उनकी मां सावित्री एक गायिका और नाटक ये थी बात की जाए दोस्तों उन्होंने बाल कलाकार के रूप में मालिका के अभिनय के लिए अभिनय के बाद राजेंद्र के लिए पुरस्कार विजेता मलयालम फिल्म और लोकप्रियता कन्नड़ फिल्म नायिका के रूप में सिनेमा प्रवेश हुआ है हालांकि दोस्तों टेलीविजन टेलीविजन में माद्दम्य भी माध्यमी और बन गया था जिसने दोस्तों उसे अपनाया और उनकी पिछली टेलीविजन श्रृंखला टेलीविजन श्रृंखला हिंदी में गिरी, और कन्नड़ कन्नड़ में आशुतोष को की कन्नड़ में आशुतोष नायडू और मलाय में दिनेश बाबू के लिए थी माया मगुरा माया मरुग्गा में उनके प्रदर्शन ने उन्हें कन्नड़ टेलीविजन दर्शकों के बीच प्रतिष्ठा दर्जा प्राप्त किया है माया मगुरा माया मरुगा की सफलता ने दो चंदन दो बाल बला का ध्यान और जिन्होंने अन्नी के साथ तमिल सिनेमा जगत में प्रवेश करने के लिए चुना गया था जहां दोस्तों मालविका ने नायक और उन्नी की भूमिका निभाई है मालविका की तमिल फिल्मों में को में राजा राज, राजेश्वरी में राजी या राजा राजेश्वरी की भूमिका सन भी सीरियल नाइनटी ने एक किडस और फे, फेवरेट सारे कमा, इंडिया लिमिटेड कंपनी के एपिसोड के निर्देशक निर्देशकवा कुमार और सेल्वा पाड़ी और के बाद चंद्रन की नीलावाई शामिल है जहां दोस्तों उन्होंने एक माध्यमिक की भूमिका निभाई थी क्लास वर्गान और कॉलोनी में एक फिर से अपने गुरु बालचंद्र के अधीन और उन्हें रानी अरासी में थेला का में चमेली की मधुंगा झागे की भूमिका निभाई है उन्होंने दोस्तों तमिल फिल्मों में अहम भूमिका निभाई है बात की जाए दोस्तों एक और नील का पत्थर एस एल भौरप्पा के प्रसिद्ध बनास और गरीबंगा के कृष्ण काशवली की फिल्म में नायक नजमा का किरदार निभाया था टेलीविजन अभिनय के अपने दशक में मालविका ने ओवर फिल्म साइन साइन एड सहित तमिल कन्नड़ और हिंदी में भूमिका निभाई है जिसमें दोस्तों मालविका के सुभा के किरदार में किरदार ने उनकी आलोचनात्मक प्रोत्साह हासिल की थी टी एन सीताराम के लिए मनवतरा के अलावा मालवी का मुक्ता में मा, माधवी पटेल और आईपीएस की चरित्र जैसे अपने प्रतिष्ठा चरित्र से कन्नड़ दर्शकों की प्रभावित किया था अग्नि एक टास्क शो और जिसे दोस्तों मालविका ने इसे टीवी कन्नड़ पर होस्ट किया था जिसके उससे उसके बाद बडुकु जन बडुकु जातक बंदी आया और उत्तराध में मालवी का व्यक्तित्व की समस्याओं से निपटती है जिससे दोस्तों पारिवारिक मुद्दों को हल करने के लिए एक, वैक, एक वैकल्पिक विवाद समाधान मंच प्रदान किया जाता है वह सामाजिक मुद्दों पर भी चर्चा करती है वह बिग बॉस कन्नड़ सीजन फोर में भी एक गृहिणी थी 2017 में उन्होंने इलिया थलपति विजय की फिल्म में जज की भूमिका निभाई और उन्होंने मौजूदा सबसे ज्यादा कमाई करने वाली कन्नड़ फिल्म केजेब चैप्टर वन के साथ अभिनय अत्यधिक प्रशांत तमिल फिल्म कैथी में भी अभिनय किया था तीनों बॉक्स ऑफिस पर सै करोड़ से अधिक की कमाई की और केजेफ चैप्टर की अगली कड़ी के जब चैप्टर टू जो दोस्तों भारत भारत की ही है और बॉक्स ऑफिस पर हजार करोड़ से अधिक की कमाई करने वाली अब तक की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई थी मालविका ने एक छात्र के रूप में कई अंतरराष्ट्रीय कई अंतरराष्ट्रीय कोर्ट में भाग लिया था जीता और अपने कॉलेज जर्नल के संपादक के रूप में कार्य किया था एक विकास संचार संगठन माध्यम में शामिल हुई और टाइम्स इंडिया के लिए एक कानूनी कलम जर्नल और दो के लिए उदयवी में सहायक संपादक के रूप में कार्य किया है वर्षों से तमिल सप्ताहित और मुकुदम में उनका मालविका का पक्कम और कलम मुकुंदम के लिए एक एगोनी की एक एगोनी आंटी कलम और हाल ही में मालविका अंडरविजया कर्नाटक में एक सप्ताह कलम और मालविका ने जी कन्नड़ की प्रति प्रोग्रामिंग प्रमुख की भूमिका निभाई है मालविका की भरत नाट्यम नाट्यम से जुड़वा जुड़वा पाँच साल की उम्र में शुरू हुआ था जब दोस्तों उनकी माँ ने उसका परिचय दिया और उन्होंने कला क्षेत्र में एम आर कृष्ण मूर्ति के अधीन प्रशिक्षण लिया था उसके बाद दिल्ली में पद पद्द, पद्मश्री लीला सैमसन के अधीन उत्तम प्रशिक्षण प्राप्त किया था बात की जाए दोस्तों फिल्म की सुपर स्टार अभिनेता अच्य कुमार जो दोस्तों एक भारतीय अभिनेता है जो दोस्तों मुख्य रूप से तमिल फिल्मों के साथ साथ कन्नड़ सिनेमा में भी काम करते हैं वह दोस्तों के फिल्म श्रृंखला कंतरा लिंगो और लुसिया में अपने प्रदर्शन के लिए जाने जाते हैं वह तीन फिल्में तो फिल्म फेयर पुरस्कार और दो कर्नाटक राज्य फिल्म पुरस्कार के करता है जिसे दोस्तों प्रत्येक सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता श्रेणियों में से एक है कुमार ने अपने समय के दौरान कर्नाटक के तिप्तूर में कॉलेज जाने वाले छात्र के छात्र नटराजन और होलिया मार्गदर्शन में, में अपने थिएटर समूहों में जैसे गोलेयारा और बला गंगा बलंगा मुगारू और हुडुगारु में अभिनय थिएटर ग्रुप के रूप में अभिनय करना शुरू किया था बाद में दोस्तों उन्होंने निन्नासम में एक अभिनेता के रूप में काम किए थे थिएटर में काम करने के दौरान उन्होंने दौरान उन्होंने 2000 में 100 2000 में अपने टेलीविजन धाराई को और गृही भंगा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए ग्रेश कासरवॉल ग्रिसकरासवर वल्ली द्वारा चुना गया था राहिक और मुड मुडला माने में कुमार ने नायक नायक की बेटी में सहाय सहायक और सहयोगी की भूमिका निभाई है प्रीति इलाजा प्रीति लद्दा मेले में उन्होंने एक जज के रूस जज के सबसे बड़े बेटे अंत नगा द्वारा अभिनेत्री की भूमिका निभाई है फिल्मों ने फिल्म में कुमार का करियर 2007 में शुरू हुआ था जब दोस्तों उन्होंने मोकिना और मंसू आर में मुखिया महिला की पिता और आर दिना गालू दो और गैंगस्टर दो गैंगस्टर आयल कुमार की भूमिका निभाई है दोनों कन्नड़ फिल्म फिल्में और उन्होंने एक चरित्र अभिनेता के रूप में ख्यात प्राप्त की है और दोस्तों प्रति वर्ष लगभग दोस्तों बारह फिल्मों में अभिनय किया था वह कुछ तमिल फिल्मों में भी नजर आए हालांकि दोस्तों 2013 में 2013 की फिल्म लो, लुसिया में कुमार को व्यापक सराहना मिली थी फिल्म में उन्होंने एक मूवी थिएटर के मालिक और निखिल के योजना नियोजना संस्करण की भूमिका निभाई है जिसका किरदार सतीश निन्नासम ने दिया निभाया था इसी प्रदर्शन ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार दिलाया था हैसगल्लू 2013 में कुमार ने जुए की आदि कोंडाडा की भूमिका निभाई जो दोस्तों ऋण पर लिए गए पैसे को बर्बाद करते कर देते हैं जिसे दोस्तों उनकी युवा बेटी सुधारने की कोशिश करती है एक प्रदर्शन ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का कर्नाटक राज्य फिल्म पुरस्कार दिलाया था 2022 की ड्रामा फिल्म में कुमार ने एक बिश्वा, सम्मानित और स्वामी देवेंद्र सुतोरु की भूमिका निभाई है जो दोस्तों उनकी मदद करने के लिए आदिवासी समुदाय में जमीन की योजना बना रहा था डेकन हेराल्ड ने लिखा कि यह देखते हुए कि की कि के कितना प्रतिभावशाली है चरित्र में अचानक परिवर्तन उसके सहज परिवर्तन के दृश्य हो जाता है वाले हैं। फिल्म मार्टिन यह एक आगामी भारतीय कन्नड़ भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो दोस्तों अर्जुन सरजा द्वारा लिखी गई कहानी से एपी अर्जुन द्वारा डायरेक्टर भी बनी फिल्म है फिल्म का प्रोड्यूसर उदय के उदय के मोहता ने किया था और इसमें ध्रुव सरजा और वैवी सांडिया ने किया था फिल्म की अन्वेंसी जैन संस्कृता वागले और अच्युत कुमार निकितिन धीर शामिल है फिल्म मार्टिन को डायरेक्टर एपी अर्जुन की डायरेक्टर सुपर स्टार अभिनेता के रूप में ध्रुआ सरजा फैवी सांडलिया जैसे और बड़े स्टार आपको दोस्तों देखने को मिलेंगे इस फिल्म को दोस्तों रिलीज डेट 2024 में रिलीज होने वाली न्यू अपकमिंग मूवी है फिल्म की संगीत रवि बसरूर और गीत मनीष शर्मा की बनाई गई है इस फिल्म को दोस्तों का के साथ भारत में रिलीज होगा दोस्तों बात की जाए इस फिल्म की अभिनेता ध्रुव सजा अर्जुन के रूप में दिखाई दिए दिखाई देंगे और वेबी सांडिल जैन के रूप में दिखाई देगी बात की जाए दोस्तों साउंड ट्रैक एल्बम मनीष शर्मा द्वारा रचित है जबकि रवि बसरूर ने पृष्ठभूमि तैयार किया है एल्बम को लहरी म्यूजिक और हिंदी कन्नड़ तमिल तेलुगु और मलयालम भाषाओं के लिए सुरक्षित किया गया था फिल्म का टीजर 23 फरवरी 2023 को जारी किया गया था और तीन दिनों के भीतर इसे 70 मिलियन व्यूज मिले थे इसे दोस्तों हिंदी तमिल तेलुगू और मलायम भाषाओं के डव संस्करण के साथ कन्नड़ में भी रिलीज किया गया था रिलीज किया जाना तय है लेकिन दोस्तों यह फिल्म 2024 में रिलीज होगी फिल्म की बात तो की जाए तो दोस्तों इस फिल्म में सुपर स्टार अभिनेता धुरव सज्जा जो कि दोस्तों यह एक भारतीय अभिनेता है जो कन्नड़ फिल्म में दिखाई देते हैं उन्होंने दोस्तों अपने अभिनय कैरियर की शुरुआत 2012 की फिल्म अधूरी से की थी सरजा ने 2012 की फिल्म अधूरी से फिल्म में डेब्यू किया था पुरुष प्रधान के रूप में अर्जुन के उनके चरित्र को आलोचकों से प्रोशांस मिली थी उन्होंने दोस्तों 2013 में अपना करीबी दोस्त चेतन कुमार के साथ अपनी पहली फिल्म बहादुर के लिए साइन किया गया था फिल्म व्यवसायिक रूप से सफल रही और अप्रैल 2015 में उन्होंने भर जारी के लिए साइन किया था उनकी अगली फिल्म तो गारू पर आधारित थी यह एक हर्षा और सज्जा के सज्जा एक फिल्म के लिए भी बातचीत कर रहे थे ध्रुव सरजा के भाई सर्जा ने जो फिल्म में एक थे और उसका सात जून 2020 को निधन हो गया था उनके बच्चा अर्जुन सरजा एक दक्षिण भारतीय अभिनेता और उनके दादा शक्ति प्रसाद भी कन्नड़ फिल्मों में एक अभिनेता थे अभिनेता ध्रुव सरजा ने 9 दिसंबर 2018 को अपनी बचपन की दोस्ती प्रेरणा से सगाई कर ली थी उन्होंने दोस्तों 25 नवंबर 2019 को शादी कर ली है बात की जाए दोस्तों फिल्म की तो फिल्म में सुपरस्टार अभिनेता सरजा और अभिनेत्री के रूप में भैवी सैंडलिया यह एक भारतीय अभिनेत्री है जो कन्नड़ और तमिल कन्नड़ और मराठी भाषा की फिल्मों में काम करती है मराठी फिल्म 'जानिवा' 2015 से अपनी शुरुआत करने के बाद वह एक अलबेला 2015, हजार पंद्रह सक्का पोडू दो हजार सकापोडू पोडू राजा दो हजार सत्रह और इराइल मरुटू कठारह कैंप मारी दो हजार उन्नीस और गाली पता टू 2022 है वैभव ने आपने अभिनय की शुरुआत मराठी फिल्म जानीवा 2015 से की जो सामाजिक न्याय पर एक कहानी थी जो दोस्तों अभिनेता महेश मानजेकर के बेटे सत्य की पहली फिल्म के रूप में विख्यात थी इसके बाद वैभविन को भगवान दादा की बायोपिक एक अलबेला में विद्या बालन सहित कई कलाकारों के साथ दिखाया गया था जहां दोस्तों उन्होंने साहिन नामक का एक मुस्लिम लड़की का किरदार निभाया था दो हजार सोलह में भैबी की मित्र की करीबी फिल्म गहेम फे एल्फ हेड में एक बिंदा एक धिंदा नामक का एक विशेष गीत में एक नाटक के रूप में दिखाई दी थी इसे दोस्तों प्रसिद्ध भारतीय नृत्य कोरियोग्राफर विष्णुदेव और विष्णुदेव ने कोरियोग्राफर किया था वैवी ने संथानम के साथ दो तमिल भाषा की फिल्मों में सर्वार सुंदरम और सक्का पोडु पोडू राजा में अभिनय करने के लिए साइन किया था जहां दोस्तों बाद वाली 2017 में रिलीज हुई और पहली 2018 में रिलीज हुई वैवी ने गौतम के साथ अपनी तीसरी तमिल फिल्म साइन किया था कार्तिक ने 2018 में अठारह में इरुटूर अर्यल और मुराटू कुत्तु में अभिनय किया उन्होंने राजविष्णु के साथ कन्नड़ उद्योग में भी शुरुआत किया है और दोस्तों गणेश के साथ अपनी सुपरहिट फिल्म गालीपात गाली पत्ता टू में अभिनय किया था बात की जाए दोस्तों फिल्म मार्टिन में अभिनेत्री सुक्रिता बागले जो कि दोस्तों यह भी दिखाई दी है जो दोस्तों यह एक भारतीय अभिनेत्री है मॉडल जो कन्नड़ फिल्म उद्योग में और तमिल फिल्म उद्योग में काम करती है उन्होंने 2013 में ओम कराब मूवीज के तहत राज्य पुरस्कार विजेता फिल्म जट्टा से अपनी शुरुआत की थी कर्नाटक के मणिपाल में जन्मी संस्कृता स्मिता और चंदनन वागले की बेटी है उसकी एक बहन है उन्होंने पांडिचेरी से आदित्य और खानपान प्रबंधन में विज्ञान स्थान की पढ़ाई की है इसके अलावा मास्टर ऑफ साइंस की पढ़ाई करने के बाद उन्होंने बैकुटा बालिंगा कॉलेज ऑफ लॉ से बैचलर ऑफ लॉ की पढ़ाई पूरी की है उनके पास बिजनेस और एडमिनिस्ट्रेशन में डिप्लो डिप्लोमा और एविएशन हॉस्पिटैलिटी हस, में डिप्लोमा भी किया है भागलो ने अपने कैरियर की शुरुआत एक मॉडल और फोटोग्राफर के रूप में की थी प्रबंधक कुमार जगन्नाथन ने उन्हें निर्देशक बी एम गिरिराज से मिलवाया है जिन्होंने दोस्तों उनकी पहली फिल्म जट का निर्देशन किया था फिल्म में कर्नाटक राज्य फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार जीता और उन्होंने चित्र संथे अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता था उनकी अगली फिल्म निर्देशक सुनी की एक प्रेम कहानी थी वह फिल्म ब्रहपराक में श्रीनगर किट्टी की बेटी की भूमिका निभाती है उन्होंने दोस्तों सुमना कितूर द्वारा निर्देशित किरागुरीन किरा, गुरीन, किरा और ग्याली, गालू में अभिनय किया था यह यह चंद्र तेजस्वी द्वारा लिखित एक प्रसिद्ध उपन्यास पर आधारित फिल्म थी फिल्म में मेघा आलियास मैगी मे, है और यह एक परपिडक परपिडकामबाई बिलन की भूमिका निभा रही है और रोहित बद्दार और रोहित बद्दा की द्वारा निर्देशित फिल्म टैय बिटू गमानेसी में प्रीति चित्र फिल्म निर्माता की भूमिका निभा रही है वागले कन्नड़ रियलिटी शो बिग बॉस कन्नड़ 4 में एक वाइल्ड एक वाइल्ड कार्ड प्रतियोगिता में थे वह के एस आई सी मैसूर सिल्क साड़ी की 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 ब्रांड एसेंडर भी है दोस्तों बात की जाए इस फिल्म में सुपर स्टार अभिनेता मार्टिन मूवी में चिकना यह भी एक बार अभिनेता है जो कन्नड़ सिनेमा में काम करते हैं और दोस्तों मुख्य रूप से हस्य भूमिकाओं के दिखाई देते हैं कि रात का गोदरे कार्य के साथ फिल्मों में अपनी शुरुआत किया था जिसके बाद उन्होंने राजा हुल्ली दो और अधक्षा दो हजार में उनके प्रदर्शन के लिए पहचाना गया था चिक्कना ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत मैसूर में दृश्य कला विद्य कला के साथ कॉमेडी शो में किया था इसके बाद वह कन्नड़ कॉमेडी और उदय टीवी पर प्रसारित में दिखाई दिए थे अभिनेता यश ने कन्नड़ सिनेमा के हर एक हिरक और जयंती समारोह में उनके प्रदर्शन को देखा था और उन्होंने 2011 की फिल्म तक्का में कास्ट किया था राजा होली 2013 और 2014 में उन्होंने यश और शरण के साथ भूमिका निभाई है 2015 की फिल्म शर्क शूटर में उन्होंने दिगंत के साथ अभिनय किया था और ट्रैक ट्रैक टू बीले के लिए गीत लिखे थे दोस्तों बात है फिल्म मार्टिन में अभिनेता साधु कोकिला यह एक भारतीय अभिनेता है जिन्होंने स्क्रीन नाम साधु कोकिला के नाम से जाना जाता है यह एक भारतीय संग... संगीत भारतीय संगीतकार अभिनेता हास्य अभिनेता फिल्म निर्देशक और निर्माता और एक सामुदायिक पाठक लेखक और गीतकार है जो दोस्तों कन्नड़ सिनेमा में काम करते हैं फिल्मों में अभिनय करने से पहले उन्होंने संगीतकार के रूप में अपना अभिनय करियर शुरू किया था और ज्यादातर हास्य भूमिकाओं में नजर आए थे उन्होंने दस कन्नड़ फिल्मों में भी काम किया है और निर्देशन किया था जिसमें से सबसे उल्लेखनीय रक्त और कन्नेरु 2013 है दो हजार तीन है और एक संगीतकार के रूप में वह सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक के लिए कर्नाटक राज्य फिल्म पुरस्कार के दो बार प्राप्त करता है जिसे उन्होंने रक्षस दो हजार पाँच और इंथी और प्रथिया दो हजार आठ के लिए जीता था एक अभिनेता के रूप में उन्होंने दक्षिण भारतीय अंतरराष्ट्रीय तो मूवीज पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ हास्य अभिनेता की श्रेणी में कई नामांकन और पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। साधु कोकिला का जन्म हास्य शीलन के रूप में 24 मार्च 1966 को भारत राज्य मैसूर और कर्नाटक के बेंगलोर में और मंगला के मंगला के एक तमिल नादर और ईसाई परिवार में हुआ था उनका जन्म संगीतकार के संगीतकार के परिवार के परिवार में हुआ था उनके पिता कर्नाटक पुलिस विभाग के एक संगीत बैंड और वालिन वादक थे उनकी माँ और बहन पार्श्व गायिका थी साधु कोकिला के भाई ले भी एक अभिनेता है कोकिला ने सेट और जोसेफ इंडियन हाई स्कूल बेंगलोर से पढ़ाई की थी जिन्होंने दोस्तों उन्होंने श्रीलंक की भोपाल फिल्म के लिए निर्देशक उपेंद्र द्वारा मंच नाम साधु कोकिला दिया था अपने भाई द्वारा संगीतकार और कस्तूरी शंकर के पास ले जाने के बाद कोकिला ने संगीतकार के रूप में अपना करियर शुरू किया था वह भारत के भी वह भारत के सबसे तेज और कीबोर्ड खिलाड़ियों में से एक है कोकिला ने उन्नीस सौ तिरानवे में सालिना से शादी की और उनके बच्चे हैं। बात की जाए दोस्तों तो फिल्म की सुपरस्टार अभिनेता अभिनेत्री मालविका अविनाश यह भी एक भारतीय अभिनेत्री है जो दोस्तों मार्टिन मूवी में अपनी महत्वपूर्ण भूमिकाओं के लिए जानी जाती है मार्टिन अविनाश यह एक भारतीय अभिनेत्री प्राप्त प्राप्तकर्ता अभिनेत्री टेलीविजन और व्यक्तित्व और राजनीतिज्ञ है जो दोस्तों कर्नाटक की भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान राज्य प्राप्तकर्ता है वह कन्नड़ और तमिल फिल्मों में अपने काम के लिए जानी जाती है उन्होंने जो कन्नड़ पर प्रसारित होने वाले टेलीविजन शो बदुकु जनता बंदी में मिर्जाबनी की थी यह सबसे ज्यादा कमाई करने वाली कन्नड़ फिल्म के चैप्टर टू में कलाकार की टोली का हिस्सा लिया था मालविका का जन्म 28 जनवरी 1976 को एक तमिल परिवार में हुआ था के कहा हुआ और दोस्तों उनके पिता एक बैंकर और लेखक थे उनकी मां सावित्री एक गायिका और नाटक ये थी बात की है दोस्तों उन्होंने बाल कलाकार के रूप में मालिका के अभिनय के लिए अभिनय के बाद राजेंद्र के लिए पुरस्कार विजेता मलयालम फिल्म और लोकप्रियता कन्नड़ फिल्म नायिका के रूप में सिनेमा प्रवेश हुआ है हालांकि दोस्तों टेलीविजन टेलीविजन में माद्दम्य भी माद्दम्य और बन गया था जिसने दोस्तों उसे अपनाया और उनकी पिछली टेलीविजन श्रृंखला टेलीविजन श्रृंखला हिंदी में ग्रीसन और कन्नड़ कन्नड़ में आशुतोष क्वासिकर की कन्नड़ में आशुतोष नायडू और मलाय में दिनेश बाबू के लिए थी माया मागुरा माया मरुगा में उनके प्रदर्शन ने उन्हें कन्नड़ टेलीविजन दर्शकों के बीच प्रतिष्ठा दर्जा प्राप्त किया है माया मागुरा माया मरुगा की सफलता ने दो बालचंदन दो बाल ब्लाचंदर का ध्यान खींचा और जिन्होंने उन्हें उन्हें अन्नी के साथ तमिल सिनेमा जगत में प्रवेश करने के लिए चुना गया था जहां दोस्तों मालविका ने नायक और की भूमिका निभाई है मालविका की तमिल फिल्मों में धराई को में राजा राज, राजेश्वरी में राजी या राजा राजेश्वरी की भूमिका सन टीवी सीरियल नाइन्टीन में एक और फे, फेवरेट सारे कमा इंडिया लिमिटेड कंपनी के एपिसोड के निर्देशक सिल्वा कुमार और सेल्वा पाडी और के बालचंद्रन की नीलावाई शामिल है जहां दोस्तों उन्होंने एक माध्यमिक की भूमिका निभाई थी क्लास वार्गे और युकम, कमेडी में एक फिर से अपने गुरु बालचंद्र के अधीन और उन्हें रानी अरासी में थेला का में चमेली की मथुंगा झागे की भूमिका निभाई है उन्होंने दोस्तों तमिल फिल्मों में अहम भूमिका निभाई है बात की जाए दोस्तों एक और नील का पत्थर एस एल भरप्पा के प्रसिद्ध बनास और ग्रीबंगा के क्रिस कासु की फिल्म में नायक नर्जमा नंजमा का किरदार निभाया था टेलीविजन अभिनय के अपने दशक में मालविका ने क्रमस ओवर फिल्म साइन सहित कन्नड़ और हिंदी प्रतिष्ठियों में भूमिका निभाई है जिसमें दोस्तों मालविका के सुभाग के किरदार में किरदार ने उनकी आलोचनात्मक प्रसाश हासिल की थी टी एन सीताराम के लिए मनवतरा के अलावा मालविका ने मुक्ता में मा, माधवी पटेल और आईपीएस की चरित्र चर्चा से अपने प्रतिष्ठा चरित्र से कन्नड़ दर्शकों की प्रभावित किया था अग्नि एक तास शो और जिसे दोस्तों मालविका ने इसे टीवी कन्नड़ पर होस्ट किया था जिसके उससे उसके बाद बडूकुन बडुकु जातक बंदी आया और उत्तराध में मालवी का व्यक्तित्व की समस्याओं से निपटती है जिससे दोस्तों पारिवारिक मुद्दों को हल करने के लिए एक, वैक, एक वैकल्पिक विवाद समाधान मंच प्रदान किया जाता है वह सामाजिक मुद्दों पर भी चर्चा करती है वह बिग बॉस कन्नड़ सीजन फोर में भी एक गृहिणी थी 2017 में उन्होंने इलिया थलपथी विजय की फिल्म वेरवा में जज की भूमिका निभाई और उन्होंने मौजूदा सबसे ज्यादा कमाई करने वाली कन्नड़ फिल्म केजेफ चैप्टर वन के साथ अभिनय अत्यधिक प्रशांत तमिल फिल्म कैथी में भी अभिनय किया था तीनों बॉक्स ऑफिस पर सौ करोड़ से, से अधिक की कमाई की और केजेफ चैप्टर अगली कड़ी के चैप्टर टू जो दोस्तों भारत भारत की ही है और बॉक्स ऑफिस पर हजार करोड़ से अधिक की कमाई करने वाली अब तक की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई थी मालविका ने एक छात्र के रूप में कई अंतरराष्ट्र कई अंतरराष्ट्रीय कोर्ट में भाग लिया था जीता और अपने कॉलेज जर्नल के संपादक के रूप में कार्य किया था एक विकास संचार संगठन माध्यम में शामिल हुई और टाइम्स इंडिया के लिए एक कानूनी माध्यम जर्नल और दो के लिए उद्यनवी में सहायक संपादक के रूप में कार्य किया है वर्षों से तमिल सप्ताहित और मुकुदम में उनका मालविका का पक्कम और कलम मुकुंदम के लिए एक एगोनी की एक एगोनी आंटी कलम और हाल ही में मालविका अंडर विजया कर्नाटक में एक सप्ताह कलम और मालविका ने जी कन्नड की प्रति प्रोग्रामिंग प्रमुख की भूमिका निभाई है मालविका की भरत नाट्यम नाट्यम से जुड़वा जुड़वा पाँच साल की उम्र में शुरू हुआ था जब दोस्तों उनकी माँ ने उसका परिचय दिया और उन्होंने कला क्षेत्र में एम आर कृष्णा मूर्ति के अधीन प्रशिक्षण लिया था उसके बाद दिल्ली में पद पद्द, पद्मश्री सैमसन के अधीन उत्तम प्रशिक्षण प्राप्त किया था बात की जाए दोस्तों फिल्म की सुपर स्टार अभिनेता अचित कुमार जो दोस्तों एक भारतीय अभिनेता है जो दोस्तों मुख्य रूप से तमिल फिल्मों के साथ साथ कन्नड़ सिनेमा में भी काम करते हैं वह दोस्तों के फिल्म श्रृंखला कंतरा लिंगो और लुसिया में अपने प्रदर्शन के लिए जाने जाते हैं वह तीन फिल्में तो फिल्म फेयर पुरस्कार और दो कर्नाटक राज्य फिल्म पुरस्कार के प्राप्त करता है जिसे दोस्तों प्रत्येक सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता श्रेणियों में से एक है कुमार ने अपने समय के दौरान कर्नाटक के तिप्तूर में कॉलेज जाने वाले छात्र के छात्र नटराजन और होलिया में मार्गदर्शन में अपने थिएटर समूहों में जैसे गोले यारा और बला गंगा बलंगा मुगारू और हुडुगारू में अभिनय थिएटर ग्रुप के रूप में अभिनय करना शुरू किया था बाद में दोस्तों उन्होंने निन्नासम में एक अभिनेता के रूप में काम किए थे थिएटर में काम करने के दौरान उन्होंने दौरान उन्होंने 2000 में 100 2000 में अपने टेलीविजन धाराई को और गृही भंगा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए ग्रेश कासरव ग्रिसकरासवर वल्ली द्वारा चुना गया था राहिक और मुड मुडला माने में कुमार ने नायक नायक की बेटी में सहाय सहायक और सहयोगी की भूमिका निभाई है प्रीति इलायता प्रीति लद्दा मेले में उन्होंने एक जज के रूस जज के सबसे बड़े बेटे अंत नगा द्वारा अभिनेत्री की भूमिका निभाई है फिल्मों ने फिल्म में कुमार का करियर 2007 में शुरू हुआ था जब दोस्तों उन्होंने मोकिना और मानसू दो आठ में मुखिया महिला की पिता और आर दिना गालो 2007 और गैंगस्टर तो गैंगस्टर आयल कुमार की भूमिका निभाई है दोनों कन्नड़ फिल्म फिल्में और उन्होंने एक चरित्र अभिनेता के रूप में का ख्यत्त प्राप्त की है और दोस्तों प्रति वर्ष लगभग दोस्तों बारह फिल्मों में अभिनय किया था वह कुछ तमिल फिल्मों में भी नजर आए हालांकि दोस्तों 2013 में 2013 की फिल्म लो, लुसिया में कुमार को व्यापक सराहना मिली थी फिल्म में उन्होंने एक मूवी थिएटर के मालिक और निखिल के संस्करण की भूमिका निभाई है ध्रुव सज्जा जो कि दोस्तों यह एक भारतीय अभिनेता है जो कन्नड़ फिल्म में दिखाई देते हैं उन्होंने दोस्तों अपने अभिनय कैरियर की शुरुआत 2012 की फिल्म अधूरी से की थी सरजा ने 2012 की फिल्म अधूरी से फिल्म में डेब्यू किया था पुरुष प्रधान के रूप में अर्जुन के उनके चरित्र को को से प्रोसांस मिली थी उन्होंने दोस्तों 2013 में अपना करीबी दोस्त चेतन कुमार के साथ अपनी पहली फिल्म बहादुर के लिए साइन किया गया था फिल्म व्यवसायिक रूप से सफल रही और अप्रैल 2015 में उन्होंने भर जारी के लिए साइन किया था उनकी अगली फिल्म पोगारू पर आधारित थी यह एक हर्षा और सज्जा के सज्जा एक फिल्म के लिए भी बातचीत कर रहे थे ध्रुव सरजा के भाई चिरंजीवी सरजा ने जो कन्नड़ फिल्मों में एक अभिनेता थे और उसका जून 2020 को निधन हो गया था उनके बच्चा अर्जुन सरजा एक दक्षिण भारतीय अभिनेता और उनके दादा शक्ति प्रसाद भी कन्नड़ फिल्मों में एक अभिनेता थे अभिनेता ध्रुव सरजा ने 9 दिसंबर 2018 को अपनी बचपन की दोस्ती प्रेरणा से सगाई कर ली थी उन्होंने दोस्तों 25 नवंबर 2019 को शादी कर ली है बात की जाए दोस्तों फिल्म की तो फिल्म में सुपरस्टार अभिनेता सरजा और अभिनेत्री के रूप में भैवी सांडिलिया यह एक भारतीय अभिनेत्री है जो कन्नड और तमिल कन्नड़ और मराठी भाषा की फिल्मों में काम करती है मराठी फिल्म जानी 2015 से अपनी शुरुआत करने के बाद अलबेला एक हजार पंद्रह सक्का 2000, दो हजार पोडू राजा दो हजार सत्रह और इराइल मरुटूर कु हजार अठारह कैंप मारी दो हजार उन्नीस और गाली पता टू 2022 है। बेबीने आपने अभिनय की शुरुआत मराठी फिल्म जानिवार 2015 से की जो सामाजिक न्याय पर एक कहानी थी, जो दोस्तों अभिनेता महेश मांझी के बेटे सत्या की पहली फिल्म के रूप में विख्यात थी। इसके बाद बेबीन को भगवान दादा की बायोपिक एक अलबेला में विद्या बालन सहित कई कलाकारों के साथ दिखाया गया था जहां दोस्तों उन्होंने साहिन नामक का एक मुस्लिम लड़की का किरदार निभाया था दो हजार सोलह में भैदरी की मित्र की करीबी फिल्म गहेम फे एल्फ हेड में एक विंध्या एक धिंदा नामक का एक विशेष गीत में एक नाटक के रूप में दिखाई दी थी इसे दोस्तों प्रसिद्ध भारतीय नेतृत्व कोरियोग्राफर विष्णुदेव और विष्णुदेव ने कोरियोग्राफर किया था वैवी ने समानम के साथ दो तमिल भाषा की फिल्मों में सर्वार सुंदरम और सक्का पोडू पोडू राजा में अभिनय करने के लिए साइन किया था जहां दोस्तों बाद वाली 2017 में रिलीज हुई और पहली 2018 में रिलीज हुई वैवी ने गौतम के साथ अपनी तीसरी तमिल फिल्म साइन किया था कार्तिक ने 2018 में ईरू में इुटू अयर अर्यल और मुराटू कुत्तथू में अभिनय किया उन्होंने राज विष्णु के साथ कन्नड़ उद्योग में भी शुरुआत किया है और दोस्तों गणेश के साथ अपनी सुपरहिट फिल्म गालीपात गाली पत्ता टू में अभिनय किया था बात की जाए दोस्तों फिल्म मार्टिन में अभिनेत्री सुक्रिता बागले जो कि दोस्तों यह भी दिखाई दी है जो दोस्तों यह एक भारतीय अभिनेत्री है मॉडल जो कन्नड़ फिल्म उद्योग में और तमिल फिल्म उद्योग में काम करती है उन्होंने 2013 में ओम कराब मूवीज के तहत राज्य पुरस्कार विजेता फिल्म जट्टा से अपनी शुरुआत की थी कर्नाटक तो के मणिपाल में जन्मी संस्कृता स्मिता और संदनन वागले की बेटी है उसकी एक बहन है उन्होंने पांडिचेरी से आदित्य और खानपान प्रबंधन में विज्ञान तक की पढ़ाई की है इसके अलावा मास्टर ऑफ साइंस की पढ़ाई करने के बाद उन्होंने कॉलेज ऑफ लॉ से बैचलर ऑफ लॉ की पढ़ाई पूरी की है उनके पास बिजनेस और में डिप्लोमा दिप्लो, डिप्लोमा और एवीएक्शन हस्पिटैलिटी में डिप्लोमा भी किया है भागलों ने अपने कैरियर की शुरुआत एक मॉडल और फोटोग्राफर के रूप में की थी प्रबंधक कुमार जगन्नाथन ने उन्हें निर्देशक बी एम गिरिराज से मिलवाया है जिन्होंने दोस्तों उनकी पहली फिल्म जट्टा का निर्देशन किया था फिल्म में कर्नाटक राज्य फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार जीता और उन्होंने चित्र संथे अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता था उनकी अगली फिल्म निर्देशक सुनी की एक प्रेम कहानी थी वह फिल्म ब्रहपराक में श्रीनगर की बेटी की भूमिका निभाती है उन्होंने दोस्तों सुमना कितूर द्वारा निर्देशित किरागुरिना किरा, और गैली गालू में अभिनय किया था पुन चंद्र तेजस्वी द्वारा लिखित एक प्रसिद्ध उपन्यास पर आधारित फिल्म थी फिल्म में मेघा आलियास मैगी मे, है और यह एक परपिडक परपिडकामबाई विलन की भूमिका निभा रही है वह रोहित पद्दार युवा रोहित पद्दा की द्वारा निर्देशित फिल्म टाई बिटू गमानेसी में प्रीति चित्र फिल्म निर्माता की भूमिका निभा रही है वागले कन्नड़ रियलिटी शो बिग बॉस कन्नड़ 4 में एक वाइल्ड एक वाइल्ड कार्ड प्रतियोगिता में थे वह के एस आई सी मैसूर सिल्क साड़ी की 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 ब्रांड एसेंडर भी है। दोस्तों बात जाए इस फिल्म में सुपर स्टार अभिनेता मार्टिन मूवी में चिकना यह भी एक बार अभिनेता है जो कन्नड़ सिनेमा में काम करते हैं और दोस्तों मुख्य रूप से हास्य भूमिकाओं के दिखाई देते हैं कि रात का के साथ फिल्मों में अपनी शुरुआत किया था जिसके बाद उन्होंने राजा हुल्ली 2013 और अधक्षा 2014 में उनके प्रदर्शन के लिए पहचाना गया था चिक्कना ने अपने अभिनय कैरियर की शुरुआत मैसूर में दृश्य कला विद्य कला के साथ कॉमेडी शो में किया था इसके बाद वह कन्नड़ कॉमेडी और उदय टीवी पर प्रसारित शो में दिखाई दिए थे। अभिनेता यश ने कन्नड़ सिनेमा के हर एक हिरक और जयंती समारोह में उनके प्रदर्शन को देखा था और उन्होंने 2011 की फिल्म किरातक्का में कास्ट किया था राजा होली 2013 और 2014 में उन्होंने यश और शरण के साथ भूमिका निभाई है 2015 की फिल्म शूटर में उन्होंने दिगंत के साथ अभिनय किया था और ट्रैक ट्रैक टू बिले के लिए गीत लिखे थे दोस्तों बात जाए फिल्म मार्टिन में अभिनेता साधु कोकिला यह एक भारतीय अभिनेता है जिन्होंने स्क्रीन नाम साधु कोकिला के नाम से जाना जाता है यह भारतीय संग... संगीतकार अभिनेता हास्य अभिनेता फिल्म निर्देशक और निर्माता और एक समुदायिक पाठक लेखक और गीतकार है दोस्तों कन्नड़ सिनेमा में काम करते हैं फिल्मों में अभिनय करने से पहले उन्होंने संगीतकार के रूप में अपना अभिनय करियर शुरू किया था और ज्यादातर भूमिकाओं में नजर आए थे उन्होंने दस कन्नड़ फिल्मों में भी काम किया है और निर्देशन किया था जिसमें से सबसे उल्लेखनीय रक्त और कन्नेरू 2013 है दो हजार तीन है और एक संगीतकार के रूप में वह सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक के लिए कर्नाटक राज्य फिल्म पुरस्कार के दो बार प्राप्त करता है जिसे उन्होंने रक्षस दो हजार पांच और इंथी और प्रति 2008 के लिए जीता था एक अभिनेता के रूप में उन्होंने दक्षिण भारतीय अंतरराष्ट्रीय तो मूवीज पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ हास्य अभिनेता की श्रेणी में कई नामांकन और पुरस्कार प्राप्त हुए हैं साधु कोकिला का जन्म हास्य शीलन के रूप में 24 मार्च 1966 को भारत राज्य मैसूर और कर्नाटक के बेंगलोर में नतेश और मंगला के मंगला के एक तमिल नादर और एसआई परिवार में हुआ था उनका जन्म संगीतकार के संगीतकार के परिवार के परिवार में हुआ था उनके पिता कर्नाटक पुलिस विभाग के एक संगीत बैंड और वालिन वादक थे उनकी मां और बहन पार्श्व गायिका थी साधु कोकिला के भाई लेद्र भी एक अभिनेता है कोकिला सेट और जोसेफ इंडियन हाई स्कूल बेंगलोर से पढ़ाई की थी जिन्होंने दोस्तों उन्होंने श्रील की भू पहली फिल्म के लिए निर्देशक उपेंद्र द्वारा मंच नाम साधु कोकिला दिया था अपने भाई द्वारा संगीतकार और कस्तूरी शंकर के पास ले जाने के बाद कोकिला ने संगीतकार के रूप में अपना करियर शुरू किया था वह भारत के भी वह भारत के सबसे तेज और कीबोर्ड खिलाड़ियों में से एक है कोकिल्ला ने उन्नीस सौ तिरानवे में सालिना से शादी की और उनके दुबद हैं बात की जाए दोस्तों तो फिल्म की सुपरस्टार अभिनेता अभिनेत्री मालविका अविनाश यह भी एक भारतीय अभिनेत्री है जो दोस्तों मार्टिन मूवी में अपनी महत्वपूर्ण भूमिकाओं के लिए जानी जाती है मार्टिन अविनाश यह एक भारतीय अभिनेत्री प्राप्त प्राप्तकर्ता अभिनेत्री टेलीविजन और व्यक्तित्व और राजनीतिज्ञ है जो दोस्तों कर्नाटक की भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान राज्य प्राप्तकर्ता है वह कन्नड़ और तमिल फिल्मों में अपने काम के लिए जानी जाती है उन्होंने जो कन्नड़ पर प्रसारित होने वाले टेलीविजन शो बदुकु जनता बंदी में मिर्जा बनी की थी यह सबसे ज्यादा कमाई करने वाली कन्नड़ फिल्म के चैप्टर टू में कलाकार की टोली का हिस्सा लिया था मालविका का जन्म 28 जनवरी 1976 को एक तमिल परिवार में हुआ था के कहा हुआ और और दोस्तों उनके पिता एक बैंकर लेखक थे उनकी मा सावित्री एक गायिका और नाटक ये थी बात किया है। दोस्तों उन्होंने बाल कलाकार के रूप में मालिका के अभिनय के लिए अभिनय के बाद राजेंद्र के लिए पुरस्कार विजेता मलायम फिल्म और लोकप्रियता कन्नड़ फिल्म नायिका के रूप में सिनेमा प्रवेश हुआ है हालांकि दोस्तों टेलीविजन टेलीविजन में माद्दम्य भी माद्दम्य और बन गया था जिसने दोस्तों उसे अपनाया और उनकी पिछली टेलीविजन श्रृंखला टेलीविजन श्रृंखला हिंदी में गिरी, और कन्नड़ में आशुतोष में आशुतोष नायडू और मलाय में दिनेश बाबू के लिए थी माया मगुरा माया मा में उनके प्रदर्शन ने उन्हें कन्नड़ टेलीविजन दर्शकों के बीच प्रतिष्ठा दर्जा प्राप्त किया है माया मगुरा माया मरुगा की सफलता ने दो, बाल दो बाल बला का ध्यान खींचा और जिन्होंने अन्नी के साथ जगत में प्रवेश करने के लिए चुना गया था जहां दोस्तों मालविका ने नायक और उन्नी की भूमिका निभाई है मालविका की तमिल फिल्मों में को में राजा राज राजेश्वरी में राजी या राजा राजेश्वरी की भूमिका सन टीवी सीरियल नाइनटी ने एक और फे, फेवरेट सारे गमा, इंडिया लिमिटेड कंपनी के एपिसोड के निर्देशक सेल्वे सेल्वा कुमार और सेल्वा पाड़ी और के बालचंद्रन की नीलावाई शामिल है जहां दोस्तों उन्होंने एक माध्यम की भूमिका निभाई थी क्लास वार्गिक और युकम, कमेडी कलोनी में एक फिर से अपने गुरु बालचंद्र के अधीन और उन्हें रानी अरासी में थेला का में चम्मेली की मधुंगा झागे की भूमिका निभाई है उन्होंने दोस्तों तमिल फिल्मों में अहम भूमिका निभाई है बात की जाए दोस्तों एक और नील का पत्थर एस एल भौरप्पा के प्रसिद्ध उपन्यास और ग्रीबंगा बंगा के की क्रिश काशवली की फिल्म में नायक नजमा का किरदार निभाया था टेलीविजन अभिनय के अपने दशक में मालविका ने क्रमश ओवर फिल्म साइन, सहित कन्नड़ और हिंदी प्रतिष्ठियों में भूमिका निभाई है जिसमें दोस्तों मालविका के सुभा के किरदार के में किरदार ने उनकी आलोचनात्मक प्रसाश हासिल की थी टी एन सीताराम के लिए मनवरा के अलावा मालविका नेम मुक्ता में मा, माधवी पटेल और आईपीएस की चरित्र जैसे अपने चरित्र से कन्नड़ दर्शकों की प्रभावित किया था। अग्नि एक शो जिसे दोस्तों मालविका ने इसे टीवी कन्नड़ पर होस्ट किया था जिसके उससे उसके बाद बडूकुन बडुकु जातक बंदी आया और उत्तराध में मालवी का व्यक्तित्व की समस्याओं से निपटती है जिससे दोस्तों पारिवारिक मुद्दों को हल करने के लिए एक, वैक, एक का विवाद समाधान मंच प्रदान किया जाता है वह सामाजिक मुद्दों पर भी चर्चा करती है वह बिग बॉस कन्न सीजन फोर में भी एक गृहिणी थी 2017 में उन्होंने इलिया थलपथी विजय की फिल्म में जज की भूमिका निभाई और उन्होंने मौजूदा सबसे ज्यादा कमाई करने वाली कन्नड़ फिल्म केजेब चैप्टर वन के साथ अभिनय अत्यधिक प्रशांत तमिल फिल्म कैथी में भी अभिनय किया था तीनों बॉक्स ऑफिस पर सौ करोड़ से अधिक की कमाई की और केजेब चैप्टर अगली कड़ी के जब चैप्टर टू जो दोस्तों भारत भारत की ही है और बॉक्स ऑफिस पर हजार करोड़ से अधिक की कमाई करने वाली अब तक की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई थी मालविका ने एक छात्र के रूप में कई अंतरराष्ट्र कई अंतरराष्ट्रीय मुट, मुट कोर्ट में भाग लिया था जीता और अपने कॉलेज जर्नल के संपादक के रूप में कार्य किया था